हेलो एवरीवन एंड वेलकम घंटे के अंदर पूरी फ्लेमिंगो टोटल 13 चीजें जिसमें से हमारे जो है 5 पोएम्स है और 8 चैप्टर्स है। ये 8 के 8 चैप्टर्स और 5 पोएम भाई बहुत कायदे से जो है कवर करने वाले, मजा आएगा आप लोगों को, बहुत डेप्थ के अंदर अमेजिंग तरीके से समझते चलेंगे। तो सबसे पहले द लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है इसको समझते हैं यार। इस चैप्टर के अंदर क्या है, जो हमारी फ्रांस है वो प्रशिया से अपनी वॉर हार गया था कहाँ पे 1870 और 1871 के अंदर। फिर क्या होता, प्रशिया ने जो है वो अलसासे और लॉरेन के ऊपर जो दो स्टेट्स थे फ्रांस के उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे जो बर्लिन के सोल्जर्स है अलसासे वाले, उन्होंने जो है टाउन हॉल जो है एक क्या था, टाउन हॉल एक जगह थी जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा था, जहाँ पे जितनी भी वॉर्स की डिटेल्स होती वो सारी उसी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आती थी, राइट। तो वहाँ पे जो है वो सारी बैड न्यूज, जितनी भी बैटल्स वगैरह थी सारी वहाँ पे जो है छपी जाती थी। एक फ्रांस नाम का लड़का था जो कि उसको बहुत ज्यादा डर था कि यार जो उसके टीचर है, ठीक है, वो उससे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले। तो जब फ्रांस जो है वहां से अपने डरता डरता अपने स्कूल की तरफ पहुंचता है, स्कूल के अंदर जैसे ही वो एंटर करता है वो देखता है कि उसके जो सारे क्लासमेट्स हैं वो सारी अपनी अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। मिस्टर हैमल जो कि उसके टीचर थे वो बड़े ही काइंड से लग रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल में नॉर्मली इतने काइंड होते नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो बहुत ही काइंड लग रहे थे और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे जो है क्लोथ्स पहने हुए थे, ठीक है। उस दिन उस स्कूल के जो है वो पुराने गाँव के लोग, ठीक है, ओल्ड हॉसर मेयर, इनफैक्ट जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे वो सारे भी जो है वो स्कूल के अंदर थे और वो भी जो है वो सैड दिख रहे थे। फ्रांस जो बड़ा ही टच फील करता है एकदम से ये सुनकर कि जो उनकी फ्रेंच है वो उसका आज आखिरी लेसन है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रशिया है अब ये बोल देते कि भाई अब आप लोगों को जो है वो फ्रांस नहीं पढ़नी है, अब आप लोगों को जो है वो जर्मनी पढ़नी है। मतलब ये तो इस तरीके से हो गया कि भाई किसी इंसान से कोई उसके वस्त्र मांग ले, मतलब ये तो हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनने वाली बात हो गई अगर हमको कल से बोल दिया जाए कि भाई आप लोगों को जो हिंदी के अंदर बात नहीं करनी, आपको किसी इस वाली एक्स लैंग्वेज के अंदर बात करनी है, कितना बुरा हो जाएगा। तो फ्रांस को बहुत बुरा लगता है, हालांकि उससे पहले वो जो अपने टीचर से अपना जो फ्रेंच है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बट अब जो है उसको बहुत ज़्यादा फील होता है कि क्यों उसने उसको वैल्यू नहीं की। अब उसकी जो हिस्ट्री की बुक्स है, उसकी जो ग्रामर की बुक्स है, वो उसके जो है पुराने दोस्त जैसे जो उसको लग रहे थे। और क्या होता है कि फ्रांस जो है वो एकदम से मिस्टर हैमल को बहुत पसंद करना शुरू कर देता है। इससे पहले वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ये रियलाइज करता है कि यार अब जो है वो टीचर स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। और मिस्टर हैमल जो है वो मतलब ये बताते, मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लियर और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। और जब वो आखिरी अपनी क्लास लेते हैं और उनका जो गला एकदम से चोक हो जाता है, वो बोलते हैं कि यार मतलब वो ना एकदम से बोर्ड के ऊपर ऐसे सर लगा लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं वीव ला फ्रांस, बोर्ड के ऊपर वीव ला फ्रांस लग के ऐसे सर लगा देते हैं, बोल देते हैं क्लास डिसमिस। मतलब कि वो इतने ज़्यादा हताश होते हैं कि यार अब मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा। मतलब ये तो वही बात होगी ना यार कि एकदम से किसी टीचर को लग रहा है कि अब कल से मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है और वहाँ के लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो हमें जो है वो ये हमारी भाषा ही हमसे छीन ले गई, हमें कोई नई भाषा सीखनी है। तो इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो हमारा आधारित है। मैं आप लोगों को बता दूँ इस चैप्टर की, इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स मैं कराऊंगा उसकी कंप्लीट पूरी PDF एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हर एक चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, उसका एक्सेस जरूर लेना, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना। मैं कह रहा हूँ एक नंबर आप लोगों का नहीं कटने वाला। इसी के साथ CUT की मैं प्रॉपर प्रिपरेशन आप लोगों की इस चैनल के ऊपर करवाऊंगा मेरे भाई, जैसे बोर्ड की करवा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर CUT की प्रिपरेशन होगी, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा लॉ स्प्रिंग। इसके अंदर हमारी एक्चुअली दो स्टोरी है, सबसे पहले हमारा साहिब आलम वाली स्टोरी और पार्ट टू के अंदर जो है हम हमारी मुकेश वाली स्टोरी को समझते हैं। एक्चुअली इस स्टोरी के अंदर क्या है कि जो हमारी ऑथर है वो सीमापुरी के जो है वो सीमापुरी के अंदर जो लोग कूड़ा उठाते हैं उनसे मिलती है। और सीमापुरी एक्चुअली क्या है, वो दिल्ली की पेरीफेरी के अंदर है, मतलब कि दिल्ली के बॉर्डर के आसपास का जो है एरिया है, ठीक है। और जिसमें सीमापुरी और जो दिल्ली है वो बिल्कुल ही पोल सा पार्ट है कि मतलब वहाँ पे सीमापुरी की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, दिल्ली के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, ठीक है। रैक पिकिंग जो है ना उनका जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी है सीमापुरी के अंदर, ठीक है। रेफ्यूजी वहाँ पे लोग कौन रहते हैं, जो कि बांग्लादेश के रेफ्यूजी हैं, जो कि अपने घर और उनकी जो लैंड है वो जो है स्टॉर्म्स के अंदर इनके अंदर गवा चुके हैं, वो लोग वहाँ पे आके जो है रह रहे थे, ठीक है। उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट जो है ना बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है, ठीक है। वो नंगे पैर घूमते हैं, गार्बेज उनके लिए मतलब है कि भाई देखो वहाँ पे दो चीज़ें, एडल्ट के लिए गार्बेज का मतलब है उनकी रोजमर्रा की जो है वो जिंदगी, उनकी जिंदगी जीने का एक तरीका, और वहीं बच्चों के लिए जो है एक तरीके का ये वंडर है, रैप इन वंडर, मतलब कि वो उनमें से कभी कभी जो है एक रुपए का उनको सिक्का मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं, ठीक है, ठीक है। लिविंग इन हटमेंट्स वो वहाँ पे जो है बिल्कुल ही झोपड़ी के अंदर रह रहे होते हैं। साहिब आलम जो उनमें से ही एक रैक पिकर होता है जो कि छोटा बच्चा होता है। साहिब आलम का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो कि आयरनिकल है, मतलब कि उसके नाम का मतलब और जो एक्चुअल में वो काम कर रहा है वो दोनों बहुत ही अपोजिट है, बहुत ही आयरनी वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। साहिब जो है वो गेम के अंदर, टेनिस गेम के अंदर इंटरेस्टेड होता है, लेकिन वो कहता है ये मेरी आउट ऑफ रीच है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं ये गेम खेल भी पाऊं, ठीक है। फिर उसके बाद एंड के अंदर क्या होता है, जो साहिब होता है वो एक चाय की दुकान पे टपरी पे जो है काम करने लग जाता है, लेकिन वो जो कनस्तर, दूध का कनस्तर वो जो उठाता है वो उसका कूड़ा बीनने वाले जो उसका बैग होता है उससे ज्यादा भारी होता है, क्योंकि अब जो है उसको जो है अपने मास्टर जो टी स्टॉल का मास्टर होता है उसको उसके लिए काम करना होता है, और जो साहिब है वो खुद के लिए काम नहीं कर पाता और अपनी जो केयर फॉर लोग और फ्रीडम है वो सारी चीज़ें खो देता है। ये इसके पार्ट वन के अंदर साहिब आलम की प्रॉपर पूरी स्टोरी है, और यहाँ पे जो है पावर्टी और चाइल्ड लेबर की बात हुई है। एक्चुअली पूरे लॉस्ट ब्रिंग के अंदर पावर्टी और चाइल्ड लेबर की बात हुई है। सिमिलरली इस तरीके की स्टोरी हमारी मुकेश की, जो कि फिरोजाबाद के अंदर रहता है, जिनका चूड़ी बनाने का काम है, ठीक है। और ये भी पूरी स्टोरी जो है चाइल्ड लेबर और पावर्टी के ऊपर है, ठीक है।
जो हमारा मुकेश है भाई वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, गाड़ी को ठीक करना सीखना चाहता है। मुकेश की जो फैमिली वो जनरेशन जनरेशन जो है वो बिल्कुल ही चूड़ी ही चूड़ी बना रहे हैं, ठीक है। अब वो बहुत ही डिंगी सेल्स के अंदर छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी जगहों के अंदर विदाउट लाइट विदा हवा, जहाँ पे लाइट भी नहीं, जहाँ पे हवा, ऐसी जगहों के अंदर वो काम करते हैं। उनकी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, अपनी आई साइड जो है वो लूज कर जाते हैं और वो बहुत ही खराब पॉवर्टी के अंदर बहुत ही बुरे एरिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। वो इस प्रोफेशन को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं और बोल देते हैं कि ईश्वर ने उनको यही लिखा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट की बात हुई, उनका ये मानना है कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में लास्ट वो सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर चूड़ियाँ ही हमेशा बनाएंगे, ठीक है। वुमेन फॉर मेकिंग बैंगल्स फॉर अदर्स, देखो वहाँ पे ये लाइन ये कह रही है कि जो वहाँ की औरतें हैं वो दूसरों के लिए दूसरी औरतों के लिए चूड़ियाँ बना सकते हैं, बट वो इतने इतने उनके पास पैसे नहीं कि वो खुद के लिए चूड़ियाँ भी बना सके, और ये बात बड़ी ही आयरन निकलती है, ठीक है। इनएबिलिटी फ्रॉम कोऑपरेटिव लैक ऑफ लीडरशिप, वहाँ पे जो है कोई भी एक तरीके का उनका लीडर नहीं है जो उनकी बात को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। वो बड़ी विशेष बहुत ही गंदे सर्कल के अंदर फंस चुके हैं, किसके जो मिडल मैन होते हैं, जो साहूकार मनी लेंडर्स होते हैं, पुलिसमैन लॉयर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, इनके ट्रैप के अंदर एक जो है फंस चुके हैं, क्योंकि वो जिस रेट के ऊपर चूड़ियाँ बनाते हैं उनको उनका उतना रेट नहीं मिलता, मतलब बहुत दिन रात जो है मेहनत करते हैं, उनको उतनी दिहाड़ी भी नहीं, उनको उतने वेजेस भी नहीं मिल रहे होते, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से फिरोजाबाद के अंदर दो तरीके के जो है लोग रह रहे हैं, एक तो जो बिल्कुल ही एक पावर्टी लाइन के अंदर जो उसके जाल के अंदर फंसे हुए, दूसरा जो उसको उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। मुकेश जो है वो अपनी फैमिली से जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि सारी फैमिली मानती है कि हम जो है सिर्फ हमेशा चूड़ियाँ ही बनाएंगे, बट मुकेश ये कहता है कि भाई मैं एक नया प्रोफेशन सीखूंगा जो कि है गाड़ी ठीक करना। रेडी टू वॉक डिस्टेंस फ्रॉम लर्न टू स्किल, देखो यहाँ पे जो मुकेश वो कहता है कि मैं कितने भी दूर जाने को तैयार हूँ, मैं अपनी जो है ड्रीम को जो है साकार पूरा करूंगा, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन है डेवलपमेंट का। तो ये हमारा लॉस ब्रिंग प्रॉपर पूरा चैप्टर हो गया। देन उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा जो है वो डीप वॉटर। डीप वॉटर एक्चुअल में विलियम डगलस साहब ने लिखा, जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी है। वो अपने पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनकी बचपन के अंदर उनकी जो माँ है वो याकिमा रिवर के बारे में उन्हें बताते हैं कि कितने खराब खराब इंसिडेंसेस वहाँ पे जो हुए, और जब वो तीन चार साल के थे अपने पापा के साथ जो बीच पे जाते हैं, और बीच पे जब वो जाते हैं तो वो छोटा सा बच्चा एक हल्की सी पानी की वेव के अंदर जो गिर जाता है उसको लगता है वो कितना ज़्यादा डीप जो है वो चला गया, तो बचपन का डर जो उनके मन के अंदर आ जाता है। फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो YMCA पूल जो होता है उनके घर के पास होता है, एक बड़ा लड़का जो उन्हें पानी डीप वाटर के अंदर जो वो धक्का देता है। एक्चुअल में जो पूल होता है कुछ इस तरीके से होता है कि वो आगे से तो ऐसा और एंड में जाते जाते ऐसा है, मतलब ये जो है एक्चुअल में पूरा 3 फीट और एंड में आते जाते 9 फीट है। तो जो लड़का होता है उन्हें इस वाले एरिया के अंदर जो वो धक्का देता है और उनके मन के अंदर बहुत डर जो है वो आ जाता है। तो YMCA पूल जो होता है वो एक बहुत ही खराब इंसिडेंट उनकी लाइफ के अंदर होता है, और इस इंसिडेंट के बाद वो जो फिशिंग होते हैं, कैनोइंग होते हैं, बोटिंग होते हैं, स्विमिंग होते हैं, सारे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन के अंदर डर बैठ जाता है, ठीक है। अब वो बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि भाई मुझे जो है स्विमिंग सीखनी है। वो एक इंस्ट्रक्टर जो है वो अपने लिए अपॉइंट करते हैं, उनको वीक के अंदर पाँच दिन जो है हर एक घंटे जो है वो क्लास सिखाता, उनको क्लास लेता था उनकी, ठीक है। वो क्या करता था, उनके रोप अटैच कर देता था, वो पुली के थ्रू जो होती हुई जाती थी, और एक रोप का सिरा जो है इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था, तब जाके जो है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट विलियम डगलस साहब जो है वो अपना जो है स्विमिंग वगैरह सीखते थे। उनको जो है काफी सारे स्ट्रोक सिखाए थे, इनहेल एक्सहेल कैसे करना है, और उन्हें जो है 6 महीने के अंदर प्रॉपर कोई स्ट्रोकिंग वगैरह जो है वो सिखा देते, लेकिन वो यहाँ पे रुके नहीं थे अभी भी। उन्होंने ये अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो है वो अपना प्रॉपर जो है एक लेक वेंटपोर्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो है वो डाइव मारते, थोड़ा सा जो है वहाँ पे 2 माइल तक स्विम करता, तब जाके उनका डर जो है प्रॉपर निकल जाता है। फिर इससे चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि भाई अगर हम जिंदगी में कुछ भी दृढ़ निश्चय कर लें, ऐसा कोई डर ही नहीं है जो कि हम जो है ओवरकम नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो है जब वो पूल के अंदर थे तो वो जो है 3 बार अटेम्प्ट मारते हैं कि भाई वो उनकी रणनीति होती है कि जब उनको लड़का जो है पानी के अंदर धक्का दे देता है कि भाई जैसे ही मैं उसकी सतह पे जाऊंगा, सतह पे जाने के बाद मैं एकदम से पुश मार के जो है ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर नाकाम रहता है। हालांकि उनको जो उस वक्त बचा लिया जाता है, पर वो डर उनके मन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई वो फिर स्विमिंग वगैरह ये सब पानी उनके पास आते उनके मन में बहुत डर लगता है, लेकिन फिर वो दृढ़ निश्चय लेते हैं और अपना पूरा डर जो है वो खत्म कर देते हैं। ये हमारा जो है डीप वाटर चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर आता है रैट ट्रैप। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक बंदा होता है जो कि हमारा रैट ट्रैप सेलर होता है, वो पेडलर होता है बिल्कुल ही, ठीक है। वो जो काम करता है वो जो है चूहा बनाने की जो पिंजरा होता है, एक्चुअली वो चूहा बनाने का पिंजरा जो है वो बेचता है, जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। कभी कभी बड़ी फिलोसफिकल सी बात करता है, ठीक है। वो जो है उसी के साथ साथ वो भीख भी मांगता है और जो है वायर्स वगैरह भी चुरा लेता है, ठीक है, जो कि उसकी जिंदगी चलाने के लिए एक पर्याप्त जॉब नहीं है। तो वो कभी एक टाइम को ये इमेजिन करता है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना वो भी एक तरीके के रैट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ। रैट ट्रैप के अंदर से फंसे से मतलब है कि जैसे हम एक चूहे को लालच देके पिंजरे के अंदर लेकर आते हैं ना, वैसे ही हम जो लोग हैं वो एक्चुअल के अंदर जो है एक लग्जरी लाइफ, बहुत सारा पैसा कमाना, इसके अंदर जो है वो जाके फंस जाता है, फिर उसी के अंदर फंसे रह जाते जैसे कि एक चूहा पिंजरे के अंदर आके फिर फंसा रह जाता है, ठीक है। तो फिर वो जो है भाई एक दिन रात को जो है एक क्रॉफ्टर के कॉटेज के अंदर जाता है, वो बंदा बड़ा ही सही होता है, उसको जो है बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देता है, ठीक है। और लेकिन वो जो हमारा रैट ट्रैप होता है वो वहाँ पे भी चोरी कर लेता है। वो जो बंदा होता है जिसका वो घर होता है, जो जहाँ पे रात को जाके रहता है, वो उसको सफर देता है, मतलब एक तरीके की खिचड़ी देता है, उसको टबैको देता है, और ये जो वो जॉलिस वगैरह के म्यूजिक वगैरह लगा के वो जो है मस्त एकदम रात काटता है, लेकिन वो वहाँ से जो है 30 क्रोनर्स के जो है नोट्स वो चुरा के वहाँ से रैट ट्रैप वाला बंदा वो भाग जाता है। अब जैसे वो भागता तो
उसको लगता है कि मुझे हाईवे के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, जंगल के रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि हाईवे पे मैं जाऊंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो जैसे वो जंगल के अंदर जाता है वो भटकता रह जाता है जंगल के अंदर इधर उधर, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। उसको लगता है कि आज जो है मैं एक रैट ट्रैप के अंदर फंस चुका हूं, मैंने थोड़ा सा लालच दिखा, अब मैं जो जंगल के अंदर फंस चुका हूं। फिर जैसे ही वो एकदम एग्जॉस्ट होकर जमीन पर गिरता है तो उसको वहां पर जो है एक आयरन मिल की जो है वो आवाज़ आती है, वो ढक ढक की आवाज़ आती है, तो वहां से पूरी एनर्जी इकट्ठी करके आयरन मिल के पास जो है वो चले जाता है। तो फिर आयरन मिल के अंदर जब वो जाता है तो वहां का जो आयरन मास्टर होता है वो उसको अपना पुराना मित्र समझ लेता है कि ये तो मेरा पुराना जो कोई आर्मी के अंदर बंदा था वो ये है, लेकिन वो एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो वो उसको बोलता जो आयरन मास्टर होता है कि नहीं यार तेरे को मेरे घर पे आना पड़ेगा, तेरे को मेरे घर पे आना पड़ेगा। वो बोलता है कि सर मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तेरे को आना पड़ेगा। तो वो नहीं मानता, तो फिर जो आयरन मिल होता है, आयरन मिल वाला होता है, वो अपनी बेटी एडला को भेजता है, क्योंकि एडला की जो है वो एडला मना लोगों को बहुत अच्छे से लेती थी, एडला की क्वालिटी थी। तो वो अपने फादर से जो है एडला जो है क्या कहती है उसको लेके जो है वो आ जाती है। तो उसको जो है वो घर पे रखते हैं, ठीक है, उसको जो है प्रॉपर इन बेडन उनको जो है प्रॉपर फूड वगैरह डिलीशियस फूड वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो देती है। लेकिन जैसे ही वो शेव वगैरह करके आता है उसको रैट ट्रैप सेलर को जो है वो नहा धोकर आता है, तो उसके फादर को पता चल जाता है कि नहीं ये वो बंदा नहीं है। तो जैसे ही उसको पता चलता है उसके फादर बहुत नाराज होते हैं, बोलते हैं कि तू यहाँ से निकल जाए। लेकिन जो एडला होती है वो ये बोलते हैं कि फादर हमने तो उसको नहीं बोला था ना, मतलब इसने तो हमें नहीं बोला था ना कि मैं तुम्हारे घर चलूँगा, हम इसको लेकर आए हैं, अगर हमने इसको प्रॉमिस किया है कि हम तेरे को घर पर लेकर जाएंगे, और उस वक्त क्रिसमस की रात भी, और हमने इसको इससे वादा किया कि तेरा क्रिसमस हम बहुत अच्छा मनाएंगे, तो हमें इसका क्रिसमस बहुत अच्छा मनाना चाहिए। वो अपने फादर को मना लेती है। तो अब ये सारा इंसिडेंट्स वगैरह देख के जो है वो जो रैट ट्रैप सेलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखें खुल जाती है, यार जिंदगी के अंदर कितने अच्छे लोग हैं। तो ये चैप्टर हमें जो है प्रॉपर एक चीज़ सिखाता है कि वो उसकी एडला का जो स्नेह होता है उसके प्रति, एडला की जो अच्छाइयाँ होती है वो रैट ट्रैप सेलर की बिल्कुल आंखें खोल देती है। तो जैसे ही वो जब सुबह जैसे क्रिसमस की रात खत्म होती है तो वो जो एडला उसके जो पापा है वो चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनकी तरफ एक खबर आती है कि एक ऐसा बंदा जो है वो निकला था और वो 30 क्रोनर के नोट जो है वो चुरा के भागा हुआ है। तो उसके फादर जो है उसके एडला को बोलते हैं कि देख ले तूने रात को उस बंदे को रोका था, अब हम चर्च पे आए हैं, पता नहीं वो पीछे से घर के अंदर क्या क्या चुरा के लेके होगा। लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो बंदा जो होता है रैट ट्रैप सेलर जो होता है एडला के लिए गिफ्ट जो है वो छोड़ के जाता है वहाँ पे, और जो है मतलब वो अपने हाथों से एक जो है पिंजरा बना के जाता है, और वो जो 30 क्रोन के नोट्स है वहीं पर रख के जाता है, और उसके लिए जो उसके लिए लेटर भी लिख के जाता है कि थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी आज आंखें खोल दी, और आज मैं इस रैट ट्रैप से बिल्कुल ही बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर द रैट ट्रैप चैप्टर। उसके बाद हमारा है भाई इंडिगो चैप्टर। ये एक्चुअली में जो चैप्टर है आप लोगों को गांधी जी वाला चैप्टर है कि वो जिस किस तरीके से जो है वो चंपारण वाला जो इंसिडेंट है उसको वो कराते हैं। तो भाई एक राजकुमार शुक्ला नाम का बंदा होता है जो कि नेशनल इंडियन कांग्रेस की जो मीटिंग होती है 1916 के अंदर वो गांधी जी से जाके मिलता है। ठीक है, तो वो गांधी जी को जो है प्रॉपर उसके बारे में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम को चल रहा होता है उसके बारे में जो ब्रीफअप करता है सारा कि गांधी जी ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है। तो गांधी जी बोलते कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊँगा। तो फिर जैसे वो गांधी जी वहाँ पे जाते तो राजेंद्र प्रसाद जो एक्चुअल में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे रहे थे वो एक्चुअल में उनके चंपारण के जो है वो प्रॉपर लॉयर्स वगैरह के साथ जो है उनकी केसेस वगैरह देखते थे। तो लेकिन जब वो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे जाते क्योंकि शुक्ला जो है वो एक कास्ट उसकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, तो वहाँ पे जो गांधी जी का इस तरीके से ट्रीट किया जाता है उनको लगता है कि ये भी कोई लोअर कास्ट का बंदा होगा, मतलब उस टाइम पे जो है वो कास्टिज्म बहुत पीक पे था। देन उसके बाद गांधी जी जो है मुजफ्फरपुर जाते हैं एक्चुअल में, और ज़्यादा इंसिडेंट्स जो है उस सारे जो है तबूतों को इकट्ठा वगैरह करने के लिए वो अपना जो है वो वहाँ पे मुजफ्फरपुर जाते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर के अंदर भाई ध्यान रखना उनको जो है प्रोफेसर जे बी कृपलानी जो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका जो है वो वेट करते हैं, और प्रोफेसर मलकानी के घर के अंदर वो रुकते हैं। ध्यान रखना उस समय पर किसी ऐसे बंदे के घर पर रुक जाना क्योंकि प्रोफेसर मलकानी तो सरकार के लिए काम करिए, दूसरा एक ऐसा बंदा जो कि अब सरकार के खिलाफ ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है खड़ा होने वाला है, ऐसे लोगों को अपने घर पे रखना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ठीक है, वो एक्चुअल में पूरा सिस्टम क्या था, सिस्टम ये था कि भाई जो हमारे ब्रिटिश लोग थे एक तो आके इंडियन की जो है पहले उन्होंने लैंड हड़प ली, अब उन लोगों को अब उन्हीं से जो है वो टैक्स वसूल करें, उनको कह रहे हैं कि भाई ये जो जितनी भी तुम्हारे पास लैंड है ना इसके 15% के अंदर तुम्हें इंडिगो उगानी पड़ेगी। तो वो इंडिगो जब उगाते थे तो वो एज अ उन्हें रेंट पे करते थे, हालांकि हमारे इंडियन लोगों को लगता था कि भाई हमें कोई रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, बट एक्चुअल में वो जो इंडिगो है फिर वो बाहर जाके जो है बेच देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जर्मन ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया जिससे जो इंडिगो उसकी वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसकी सेल वगैरह बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे जो है क्योंकि उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था इस बारे में कि भाई आपको जो है मैं उगा के देनी पड़ेगी, लेकिन अब ये बात हमारे इंडियन लोगों को समझ में नहीं आती कि जो ब्रिटिशर्स है ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रेक कर रहे हैं, हम ब्रेक नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं ब्रिटिशर्स आपको नहीं कहते कि चलो ठीक है अब हम तुमसे जो है वो नहीं ले रहे, हम तुमसे कोई रेंट नहीं लेंगे, तुम्हें ये जो है वो जगह दे रहे हैं और तुम जो है जो 15 तुम इस जगह का हमें जो है पैसे दे दो। कुछ लोग तो पैसे दे देते हैं पर कुछ लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमने ब्रेक नहीं है, कायदे से कानून के हिसाब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है। तो फिर जो है गांधी जी सारे सबूत वगैरह जो इकट्ठे करते हैं तो वो लोग जो पैसे पे कर देते थे अब वो भी उनके जो है खिलाफ बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी इस इंसिडेंट्स को जो है ब्रिटिशर्स ऑफिसर के पास जाते लेने के लिए, बट उनको जो है वहाँ से भगा दिया जाता है कि बंदे तो निकलने आ सकते यहाँ पर है भी नहीं। उसके बाद जो है गांधी जी मोतिहारी जाते हैं। ठीक है, मोतिहारी के अंदर जो है फिर वो
अपना जो है और ज्यादा सबूत वगैरह जो इकट्ठे करते हैं, अपनी प्रॉपर रणनीति वगैरह बनाते हैं, फिर प्रोमिनेंट लॉयर जो है वो अपने डिसीजंस देते हैं कि भाई वो एक्चुअल में गांधी जी उनको बोलते हैं कि भाई मेरे जाने के बाद अगर मुझे ये लोग जेल वेल में डाल देंगे तो फिर वो क्या होगा। कि एक्चुअली होता क्या है, जब वो मोतिहारी जा रहे होते हैं तो उनके पास जो है एक एक जो एक समन आता है कि भाई आप एक उनके पास एक नोटिस आता है कि आपको जो है वो जो है आपको पेश होना पड़ेगा। लेकिन अब जो है वो गांधी जी मना कर देते हैं कि मैं इसको डिसोबे बिल्कुल ही नहीं मानूंगा, तो वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो है फिर वो अपने रात में बैठ के जो वो बनाते हैं रणनीति कि अगर मुझे जेल वेल में डाल देगा तो तुम सारे लोग क्या करोगे। तो फिर वो बाकी के लोग बोलते हैं कि हम भी अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई मैं तो एक आउटसाइडर हूँ लेकिन फिर भी मैं इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तुम लोग तो यहाँ के इंडियन हो तब भी तुम इनकी हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। तो बैटल ऑफ फिर जो है वो सारे लोग जो है वहाँ पे गांधी जी को बोलते कि नहीं सर हम आपके साथ हैं, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे। इस बात को लेकर गांधी जी कहते हैं कि अब तो मैंने चंपारण जीत लिया समझो, ठीक है। फिर क्या होता है कि उनको जो है कोर्ट के अंदर बुलाया जाता तो इतनी सारी भीड़ जो है वहाँ पर आ जाती है, बहुत सारी भीड़ के भाई लोग पागल हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। इतनी ब्रिटिशर लोगों ने तो इतनी ज़्यादा भीड़ कभी जिंदगी के अंदर एक साथ देखी नहीं थी। उनको वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में उनके पास फिर वो आता है कि भाई जो तुमने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो था ये तुम्हारा हम रद्द कर रहे हैं, तुम्हें हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। मतलब कि पहली एक स्पार्क लगी थी कि कब पहली बार सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट जो है वो हमने जीता था, ठीक है। फिर कमीशन बिठाया गया कि इस मुद्दे के ऊपर जो है वो इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी के अंदर जो है वो लैंडलॉर्ड को जो है गिल्टी पाया गया। फिर उसके जो है क्या हुआ कि उन गांधी जी ने जो है 50% जो है वो डिमांड की कि जितना भी अमाउंट है उसका 50% जो है आप रिफंड कर दो, लेकिन वो 50% पे नहीं मानते, 25% देने को तैयार होते हैं कि हम 25% जो है वो दे देंगे। तो गांधी जी इस पर मना नहीं करते, वो ले लेते खुशी खुशी, क्योंकि बस ये चाहते थे कि पहली बार हमारे इंडियंस जो है वो अपनी प्रेस्टीज से जीतेंगे और पहली बार जो है वो ब्रिटिशर्स हारेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये होता है कि जो ये जो सेटलमेंट होता है उसके बाद हमारे इंडियंस को ये पता चलता है कि हमारे भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं, ठीक है। फिर चंपारण के वो अपलिफ्टमेंट के अंदर बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। वो अपने जो है बेटे को बुलाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स वहाँ पे खोलते हैं, उनको जो बेटा देवदास वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, महादेव देसाई वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, वो आश्रम के जो रूल्स है वो कैसे रहना होता है, सैनिटेशन वगैरह कैसे रखने होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पढ़ाते हैं। और वहाँ पे वो डॉक्टर्स वगैरह भी बुलाते हैं, उनको तीन तरीके की दवाइयाँ दी जाती है, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है। अगर किसी को टंग कोटेड टंग हो रही है तो उसको कास्टर ऑयल दिया जाता था, अगर किसी को मलेरिया फीवर हो रहा है तो उसको जो है कनीन प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था, अगर किसी को स्किन डिजीज हो रही है तो ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल उसको दिया जाता था, ठीक है। और जो कस्तूरबा बाई हमारी उनकी जो वाइफ थी वो एक्चुअल में वुमेन से बात करती थी, उनकी उनको कैसे रहना है, सैनिटेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है पहुँचाई जाती थी। तो यही गांधी जी का जो है टर्निंग पॉइंट था लाइफ के अंदर, बात है सबने, ठीक है। और फिर जो हमारे चार्ल्स फ्रेडर एंड्रयू जो है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता था कि बाकी के लोग कहते थे कि ये बड़ा गांधी जी का फॉलोअर था, तो बाकी के लोग कहते थे कि ये हमारे ये जो हमारे साथ ही रहता है तो हमें जो है इसको रख लेना चाहिए था। बट गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी के अंदर जो भी करना है बिना अंग्रेजों के करना, तभी हमें जो है असली जीत मिलेगी। तो यहाँ पे जो है लेसन हमें मिलता है सेल्फ रिलायंस के ऊपर, गांधी जी हमें सिखाते हैं कि हम अकेले इंडियंस ही बहुत हैं इनके लिए, तो हमें इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भाई पोएट्स एंड पैनकेक्स। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर क्या होता है भाई कुछ लोग होते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो है मेकअप रूम की बात की हुई है। यहाँ पे मेकअप मैन यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए होते हैं, जैसे बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सबसे आए होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दिखता है डाइवर्सिटी का हमें, ठीक है, कि भाई बहुत सारे लोग एक ही जगह पे आए। फिर वहाँ पे जो एक ऑफिस बॉय भी होता था, लेकिन यहाँ पे जो मेकअप रूम होता था उसके अंदर एक खरार के चलते थे कि जो मेन मेकअप बंदा हो, जो हेड होगा, वो जो है बिल्कुल मेन एक्टर का जो है वो आपका वो करेगा, क्या कहते हैं, मेकअप करेगा। फिर उसका जूनियर जो होगा वो थोड़े से जूनियर एक्ट्रेस का करेगा, ऐसे करते करते पूरी हरार के चलती थी। और जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय का काम एक्चुअली पानी वगैरह पिलाना था, बट वो जो क्राउड वाला जब शूट होता था तो क्राउड का जो है वो प्रॉपर वहाँ पे मेकअप करता था। और जो अगर मैं ऑफिस बॉय की बात बताऊँ तो ये अपने मतलब 40-41 साल का बंदा होगा, ठीक है। और ये बंदा बड़ा ही, इसका ये मानना था कि भाई मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है बट मेरा टैलेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल ही वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो नंबर दो है सुब्बू, वो उसको हर चीज़ के लिए जो है वो गुनहगार मानता था कि मेरा टैलेंट जो वेस्ट हो रहा है ना, वो इस सुब्बू की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सुब्बू होता था, देखो यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, SS वॉसन नंबर वन थे, ठीक है, उसके बाद सुब्बू नंबर टू था। इसके बारे में भी, इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूंगा। इस बंदे को सारी चीज़ें आती थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता था, ऐसी एक्टिंग जो कभी कोई नहीं कर पाता था ये वो भी कर लेता था। और अगर कहीं पे किसी भी दिक्कत में, लाइट में, मेकअप में, ड्रेस में, डायलॉग में, लिखावट में, पोएट्री में, किसी भी चीज़ में किसी को दिक्कत आती थी, सुबह के बाद उसको सॉल्यूशन होते थे। अगर वो सॉल्यूशन फिट नहीं बैठ रहा था तो उसके 14 तरीके के अल्टरनेटिव्स वो निकाल लेता था, इतना तगड़ा बंदा था सुब्बू, ठीक है। तो यहाँ पे सुब्बू को भाई बड़ा सुब्बू चलता था यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये बंदा इसे चिढ़ता था कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, सुब्बू मेरा जो टैलेंट है सुब्बू की वजह से खराब हो रहा है। तो जो अशोका मित्रा ने जिन्होंने ये राइटर जो वो लिखे, वो एक्चुअल में यहाँ पे जो है एक क्यूबिकल के अंदर काम करते थे जिसकी फ्रेंच विंडो थी, मतलब कि चारों तरफ ग्लास था। उनका काम था एक्चुअल में पेपर के अंदर से कटिंग निकाल के जो वहाँ पे चिपकाना, मतलब वहाँ पे फाइल के अंदर लगाना। तो लोगों को लगता था कि तो कुछ भी नहीं करता, इनफैक्ट कभी कभी उसको लगता था कि जो SS वॉसन जो कि नंबर वन द बॉस, उन्हें भी लगता होगा कि इसकी तो कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होता है, वो इवेंट्स के सबसे पहले जो स्टोरी डिपार्टमेंट हमारा जो है वो बंद हो गया था। स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर क्या था भाई, जेमिनी स्टूडियो की ये बात है, पूरा प्रॉपर इंसिडेंट जेमिनी स्टूडियो के। तो वहाँ पे एक लीगल एडवाइजर हुआ करता था जो कि बड़ा ही
वहाँ पे देखो सारे बंदे पोएट वगैरह ये सब अपनी फिलोसफिकल दुनिया के अंदर जी होते थे, ये बंदा एक लॉजिकल बंदा होता था यहाँ पे, ठीक है। तब बंदे वहाँ पे खादी पहनते थे, पैंट और टाई लगा के आता था। और ये इसने जो एक हमारी एक्टर ब्रिलियंट एक्टर एक्ट्रेस का जो है वो करियर भी खत्म कर दिया था। एक्चुअली वो एक्ट्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ बोल रही थी, तो उसकी जो है वीडियो रिकॉर्ड इसने कर दी। तो जब उसने उसको सुनाई वापस, उस एक्ट्रेस को वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, तो उसने उसके बाद कभी एक्टिंग की नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक बार जो है MRA आते हैं, MRA को 200 लोगों का कुछ एक इंटरनेशनल वो लोग होते जो कि वहाँ पे प्ले वगैरह करने आते, ठीक है। उन्होंने दो तरीके के प्ले जो कहते हैं, एक तो जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। और बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जो किया था, ठीक है। और वो जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर कई बार जो है प्ले हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इनका जो इंटेंशन था आने का वो था कम्युनिज्म के बारे में लोगों को बताना, ध्यान रखना। हालांकि इन्होंने कभी ऐसे खुले में नहीं बताया कि जो है वो कम्युनिज्म के बारे में जो है हम बताना चाह रहे हैं, बट इनका कहीं ना कहीं हिडन जो है वो चीज़ उसके अंदर रहती थी। लोगों को कभी इसके बारे में पता नहीं चला कि कम्युनिज्म के बारे में वो ये फैलाने आए हैं, क्योंकि लोग जो है बड़े नफरत करते थे। एक्चुअली में होता क्या था, कम्युनिज्म क्या होता था, कम्युनिज्म का मानना ये था कि भाई अगर तुम जो है कुछ पैसा कमा रहे हो तो उसमें से कुछ पैसा तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा। और लोगों का ये मानना था कि जो लोग कम्युनिज्म फॉलो करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी माँ बाप को भी जो है किसी ना एक दिन जो है वो काट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का वो कम्युनिज्म को जो है वो एंटी कम्युनिज्म को जो है वो फैलाने आए थे कि कम्युनिज्म जो है बेकार है। और क्योंकि हमारे जो SS वासन साहब थे वो पैसा कमाते थे, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते थे। तो वो चुप चोरी चोरी से इन्हें जो है बुला लेते थे, उनको वो बुलाते कुछ और कह के थे पर उनका इंटेंशन कुछ और होता था। सिमिलरली जो स्टीफन स्पेंडर थे, ये भी एक तरीके के जो हमारे ऑथर थे, ये भी वहाँ पे आए थे। उनका जो है एक लैंग्वेज का एक्सेंट वगैरह ऐसा था जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है फ्रीडम इन सब की चीज़ों की जो है बात हो रही थी। तो लेकिन ये भी जो है एक तरीके से अपना जो है वो कम्युनिज्म ही फैलाने यहाँ पे जो है वो आए थे, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमारा जो है वो इंसिडेंस रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे अशोका मित्रन साहब है, उनको कैसे पता चला कि ये जो है अपना यहाँ पे ये सब फैलाने आए हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक मैगजीन होती है जो कि अपना एक कॉन्टेस्ट करा रही होती है, तो वो कॉन्टेस्ट के अंदर जब पार्टिसिपेट करने जाते तो उस मैगजीन के बारे में जानते हैं कि ये मैगजीन ठीक है भी या नहीं है। तो जैसे ही वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर जाते तो वहाँ पर उन्हें बुक मिलते जिसके अंदर जो है जिस बुक के अंदर जो है एक बुक होती है हमारी द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड का मतलब होता है कि जो कम्युनिज्म जो कि फेल हो गया, तो उसके अंदर के जो ऐसे होते हैं उसके अंदर एक ऐसे स्टीफन स्पेंडर का भी था। तब जाके उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये तो बड़ा भाई कम्युनिज्म फैलाने जो है वो यहाँ पे हमारे उसके अंदर आया था, तब जो सारी चीज़ें उनको पता चलती, ठीक है। तो ये था हमारा पोर्शन पैनकेक। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू चैप्टर के अंदर जो है इसके दो पार्ट है। सबसे पहले पार्ट के अंदर जो है लोगों की डिफरेंट डिफरेंट राय है इंटरव्यूज को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि जो है इंटरव्यू बहुत ही अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू जैसी खराब चीज़ नहीं है, जैसे कि सब कहते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आर्ट इसके अंदर हमें जो है सच्चाई पता चलती है लोगों की, लोग कैसे रहते हैं कैसे बात करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलता है, जैसे कि आजकल के ज़माने में पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कि भाई बहुत ही गंदा है, ठीक है। जिसमें से जो हमारे नेपॉल कहते हैं कि ये तो एक तरीके का जो है सम पीपल आर अबाउंडेड बाई इंटरव्यूज एंड लूज पार्ट देमसेल्फ। इसका इनका ये मानना है कि ये तो लोगों को जख्म देता है और वो जो है अपने अंदर की जो चीज़ें वो खो देते हैं जो इंटरव्यू है, ठीक है। लेविस कैरोल का कहना है कि भाई ये तो एक तरीके का हॉरर है, इंटरव्यू करवाना एक तरीके का हॉरर है, ठीक है। रूबिक रडियार्ड क्लिपिंग जो है वो कहते हैं कि एक तरीके ये तो इमोरल है, क्राइम है, एक असॉल्ट है और इसको पनिशमेंट देनी चाहिए जो भी जो है इंटरव्यू देता और लेता है, ठीक है। जी वेल्स रेफर्ड कहते हैं कि जो इंटरव्यू है वो ऑडियल है, ठीक है। एस सॉल बेलो हमारे कहते हैं कि भाई ये तो एक तरीके का इस तरीके से होगा कि मैं अपनी विंड पाइप के ऊपर ऐसे थंब रख लूँ, ठीक है, बात आ रही है सुनने। तो ये इंटरव्यू की जो है कुछ लोगों की जो है एडवांटेज, कुछ लोगों की राय है, तो कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो ये सारी पूरा प्रॉपर इंटरव्यू के बारे में बताया है। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो है कुछ लोग हैं, मान जैसे कि मुकुंद हो गया और एक हमारा अम्बर्टो एको हो गया, इनके जो है एक जो है प्रॉपर इंटरव्यू को जो है एडिट करके यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो मुकुंद पूछता है उनसे जो हमारे अम्बर्टो एको होते हैं कि आप इतनी सारी जो है लाइफ के अंदर चीज़ें कैसे कर लेते हो। एको बोलता है कि मैं सारी चीज़ें नहीं करता, मैं तो एक ही चीज़ जो है वो बार बार करता हूँ, ठीक है। हिज चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट, हिज बुक ऑन चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट, उसकी एक बुक थी, ठीक है, जो कि बच्चों के ऊपर लिखी थी, वो उसका फिलोसफिकल इंटरेस्ट भी दिखाता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू ईको, ईको कहता है जब उसे पूछता ना कि भाई तुम इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, वो कहता है कि मैं इतने सारे काम नहीं करता, मैं एक ही काम करता हूँ, वो तुम्हें सारा लगता है। वो कहता है कि हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे जो है खाली स्पेसिस होते हैं जिसको हम इंटरस्टीसिस कहते हैं, वो उस खाली समय को जो अपना जो है यूटिलाइज करता है। मतलब कि जैसे अगर मान लो किसी ने उसको ऊपर बुलाया, मतलब किसी ने उसने जो है किसी को अपने घर पे बुलाया, जितनी देर में वो बंदा नीचे से ऊपर आएगा, अगर मैं वो लिफ्ट में ऊपर आ रहा होगा और अगर मैं उसका वेट कर रहा हूँ तो मैं उसका वेट नहीं करूँगा, मैं उसको क्या करूँगा, मैं इतनी देर में अपने कुछ ऐसे वगैरह लिख लूँगा। इसको उसने क्या बोला था, इंटरस्टीसिस बोला था, ठीक है। ईको लाइक्स ईको जो है अपने आपको जो एकेडमिशन बोलना चाहता था रैदर देन नॉवलिस्ट, बाद में उसको नॉवलिस्ट के नाम से लोग जाने लगे थे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता था और संडे को ही सिर्फ नॉवल्स लिखता था, ठीक है। उसकी जो है नॉवल्स को बड़ी ह्यूज जो है सक्सेस मिली, जो उसका नाम था द नेम
ऑफ द रोज, ठीक है, इको पॉइंट आउट इट हैज बीन रिटन एट द एप्रोप्रिएट. वो कहते हैं कि भाई ये जो बुक मैंने लिखी थी, अगर मैं 10 साल बाद या 10 साल पहले लिखता ना तो नहीं चलती, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे लिखी थी, ठीक है. उसकी जो 10 से 15 मिलियन कॉपीज है वो सोल हो गई थी. मुकुंद अगेन क्वेश्चन एकदम मेडिवल ग्राउंड, वो पूछता है कि क्या तुम्हारी इसके बुक के पीछे तुमने जो मेडिवल हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें जो है डाली हुई, क्या इसका सक्सेस का रीजन ये है? वो कहता है कि इसका सक्सेस का रीजन तो आज भी एक तरीके का मिस्ट्री है. वो कहता है बस एक समय मैंने सही समय पर डाली इसलिए जो है वो होगी. इको रिप्लाइड नंबर ऑफ बुक्स वर रिटन इन द, वो कहता है कि बहुत सारी बुक जो ऐसी लिखी हुई जिसके ऊपर जो मेडिवल मेडिवल चीज मेडिवल पार्ट के बारे में जो बात की हुई है, बट मेरी बुक इसलिए चली क्योंकि जो है मैंने करेक्ट समय पे लिखी. इको फर्दर टोल्ड दैट बाय राइटिंग इको रिलीज लार्ज नंबर ऑफ एडिशंस. वो कहता है कि चलो ठीक है, भले ही जो है मेरे को लोग जो है एज अ नॉवलिस्ट जान रहे हो, प्रोफेसर नहीं जान रहे हो, बट ठीक है एटलीस्ट लोग मुझे जानते हैं, मैं लार्जर ऑडियंस तक जो है पहुंच पा रहा हूं. तो ये हमारा प्रॉपर इंटरव्यू. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस. गोइंग प्लेसेस के अंदर हमारी एक सोफी और एक है जैसीन, दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है, दोनों स्कूल गर्ल है, क्लासमेट से दोनों दोस्त है, ठीक है. सोफी जो है वो दिन के अंदर हमेशा सपने देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो अपना जो है बुटीक खोलूंगी, वहीं जैसीन कहते हैं कि भाई हम जो है पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा वहाँ पर ज्यादा पैसे वगैरह नहीं है. जैसीन जो है सोफी को हमेशा से एडवाइस देती है कि भाई तो थोड़ा सा सेंसिबल बन, ठीक है. वो बोलते हैं कि हमें जो है आगे बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ही काम करना जब हम स्कूल की फैक्ट्री अपने स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है. तो सोफी अपनी जो है फैंटेसी वगैरह जो है वो वो बताते हैं कि भाई मैं जो है एज अ मैनेजर काम कर लूँगी, मैं एज एक्टर बन जाऊंगी, मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, ठीक है. अपने फादर को भी घर पे जाके बोलते हैं अपने डे ड्रीम्स वो बताते हैं उसके फादर, लेकिन उसको बोलते हैं कि भाई जब भी तू कुछ करेगी तो सबसे पहले घर खरीद लो, अब तुम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि उनके पास अभी तक खुद का घर भी नहीं है ठीक से, ठीक है. तो फिर जो अपने भाई गॉफ को अपनी सारी चीज़ें जो है प्रॉपर सारी चीज़ें बताती है, लेकिन उसका जो भाई है वो एक्चुअल में एक मोटर मैकेनिक होता है. सोफी चाहती है कि जो उसका भाई है उसके साथ सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस वगैरह जो उसके साथ शेयर करें, लेकिन उसका भाई जो है वो थोड़ा सा रिजर्व हो, किसी के से ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है. शी शेयर विद गॉफ दैट हर चांस बाय मीटिंग अ डैनी, देखो एक इसके अंदर ना बड़ा यंग फुटबॉल प्लेयर है डैनी कैसी. तो सोफी क्योंकि डे ड्रीमर है वो अपनी मनगढ़ंत कहानी अपने भाई को बता देती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी, वो मेरे से मिलना चाह रहा था, उसने मेरे को अगले दिन डेट पर बुलाया है, ठीक है. हर फादर हु वॉज अ ग्रेट फुटबॉल डोंट लाइक हर, तो देखो उसके फादर भी जो फुटबॉल के बड़े ही जो है वो क्या कहते हैं शौकीन होते, लेकिन उसकी बात पर बिलीव नहीं करते. सोफी कन्फाइड इन गॉफ डैनी कैसी एंड आंसर टू मीट इन द नेक्स्ट वीक. जो कॉफी जो सोफी होते अपने भाई गॉफ को बोलती है कि नेक्स्ट वीक जो है उसने मुझे फिर से मिलने के लिए बुलाया. ऑन सैटरडे सोफी फैमिली वेंट टू वॉच फुटबॉल मैच यूनाइटेड. देखो फिर क्या होता है सैटरडे को जो है उसकी फैमिली जो है वो मैच देखने जाती है और जो यूनाइटेड है वो 2-0 से जीत जाती है. केसी जो अपना सेकंड गोल बहुत तगड़े तरीके से वहाँ पे जो है मारता है, ठीक है. इग्नोरिंग गॉफ वार्निंग सोफी वेटेड. अब देखो क्या होता है कि क्योंकि वो उसको बोलते हैं कि मेरे लिए मुझसे जो है डैनी कैसी मिलने आएगा, तो उसका भाई बोलता है कि वो भाई नहीं मिलने आएगा, तो तब मत करिए सारी चीज़ें मत बता, वो बिल्कुल नहीं मिलने आएगा. लेकिन फिर भी वो जाती है, वो इतनी ज़्यादा सपने देखते कि वो एक जगह पे जो है वो कनाल के थ्रू जाते 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 जो है एक शांत सी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बैठ के वो बिल्कुल इमेजिन करते हैं कि वहाँ से डैनी कैसी आ रहा है, मेरे से मिलेगा वो, मैं ऐसे बात करूँगी, उससे ऐसे बात करूँगी. फिर उसके बाद वो अपना थॉट जो है बिल्कुल चेंज कर लेती है कि डैनी कैसी नहीं आया, मैं उससे नाराज़ हूँ. तो देख रहे हो वो कितनी बड़ी डे ड्रीमर है, ठीक है. तो वो इस तरीके से जो अपना वो देखते हैं, वो उसके लिए बड़े लंबे समय तक जो वो वेट करती है, ठीक है. वो ये मैंने बताया ना कि वो देखो कहती है कि भाई मैंने उससे बात बात की है, मतलब पूरा इमेजिन कर लेती है. तो उसे पता होता है कि वो नहीं आएगा तो वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है, ओनली विशफुल थिंकिंग, ठीक है. हाउ एवर शी इमेजिन वंस अगेन द विजन ऑफ हिम स्कोरिंग गोल एंड सम. तो ठीक है, वो वहाँ पे जो है बैठ के प्रॉपर एकदम और जो है अपना एक ख्याल बुन लेती है कि एक मैच चल रहा है और फिर से डैनी कैसी ने वो गोल मारा है. तो मोटा मोटा सा बात ये है कि जो हमारी सोफी है वो बहुत ही डे ड्रीमर है, बिल्कुल दिन के अंदर जो है प्रॉपर सपने देखती है. देन उसके बाद हमारी एक पोम है भाई माय मदर एस 66. इस पोम के अंदर क्या है भाई, हमारी ऑथर है कमला दास, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही होती है अपनी जो है गाड़ी को ड्राइव करते करते, उनकी मम्मी जो उनके साथ बैठी होती है. उनकी मम्मी जो है वो स्लीप मोड के अंदर होते हैं, उनका जो है मुख खुला होता है, छोटा बंदा जो मुख खुला होता है तो बड़ी ही वो मुरझाई हुई से लग रही है, उनका कलरलेस लग रहा है, बिल्कुल ही डेड बॉडी की तरह जो है लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि उनका जो एंड है वो अब बहुत ही ज़्यादा पास है, ठीक है. तो उनकी जो जो पोएट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील करती है, उनको बड़ा इंटेंस जो है पेन फील होता है, उनको रियलाइज होता है कि जो है बहुत ही जल्दी मेरी माता जो है मुझे छोड़कर चली जाएंगी. वो अपना जो है माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है, जो है बाहर जो है यंग ट्रीज को देखती है, ठीक है, जो कि उल्टे डायरेक्शन में जो है भागते हुए आते हैं. अब जैसे तुम अगर गाड़ी चला रहे हो तो जब पेड़ जैसे तुम गाड़ी इस डायरेक्शन में चला रहे हो तो पेड़ तो इसी डायरेक्शन के अंदर आ रहे होंगे ना, ठीक है. वो उस यंग ट्रीज को देखती है, जो है छोटे छोटे बच्चों को देखती है जो कि अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जो कि एक कंट्रास्ट दिखा रहा होता है पूरी दोनों सिचुएशन के अंदर. एक तरफ उसकी माँ बूढ़ी बैठी और बाहर जो है यंग ट्रीज है, यंग बच्चे हैं, जो कि दोनों के बीच में कंट्रास्ट शो हो रहा है. तो अपना माइंड डिसाइड करते कि नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं देखना, मुझे बाहर ही देखना, सारी चीज़ें ओके हैं. होता है ना बंदा कहता है भाई मुझे गंदे खैरा चाहिए, ठीक है. द सेटिंग नाउ, अब उसके बाद क्या होता है कि सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है कि भाई अब वो एयरपोर्ट का सीन जो है वो आ जाता है. सिक्योरिटी चेक पे जो है हमारे पोएट होते हैं, पोएट जो है वो अगेन अपनी माता के जो है फेस पर देखते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा जो है मुरझाया हुआ सा लग रहा है. एक जो सर्दी के अंदर जिस तरीके का चांद होता है उस तरीके से लग रहा है, जैसे कि सर्दी का चांद ऐसा होता है कि चांद के अंदर चांदनी ही नहीं, ठीक है. तो ये जो है जो हमारे पोएट होते हैं कमला दास, उसका एक बचपन का जो है फियर होता है, क्योंकि बचपन से ही जो उनको अपनी माँ से दूर जाने का बहुत ज़्यादा डर था और उन्हें लग रहा था कि अब जो है वो जो चीज़ सत्य होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है.
तो उनकी जो हमारी कमला दास जो ऑथर है वो अपनी माँ से बड़ा ही क्लोज रिलेशन उनका हमेशा से जो है वो रहा है और शी हैड ऑलवेज फेल्ट दैट द फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर विच इज फैमिली इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम और उन्होंने जो है वो हमेशा से उनके मन के अंदर डर था उनकी माँ को जो है खोने का द पोएट रीशोर्स देखो उनके बाद ना यहाँ पे क्या है पोएम के अंदर ना तीन स्माइल का जिक्र किया हुआ है एक सेकंड पेन लिखता हूँ तीन स्माइल का जिक्र किया हुआ है स्माइल ऐसे लिखा है स्माइल स्माइल और स्माइल ठीक है तो ये तीन स्माइल जो उन्होंने किया हुआ है पहला स्माइल जो उन्होंने किया कि माता जी सारी चीज़ें ठीक है मैं खुशी खुशी जा रही हूँ अपना ऐसे से प्रटेंड करना चाह रही है दूसरे स्माइल के अंदर जो है वो अपनी अपनी माता जी को जो है दुख नहीं देना चाह रही कैसा भी तो भाई तुम्हें जाते हुए देखकर किसी भी उसके अंदर जो है वो दुख हो तीसरा स्माइल जो है वो ये कहना चाह रही है हम फिर से मिलेंगे अपा फिर मिलेंगे वाली बात होगी ठीक है तो ये था भाई हमारा प्रॉपर माय मदर 66 फिर उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट कीपिंग क्वाइट जो है पैबलो नेरुडा साहब ने लिखी है पैबलो नेरुडा साहब इस पोएम के अंदर एक ही चीज़ कहते हैं कि जनाब देखो मैं जो है वो 12 तक गिनूंगा एक से 12 तक गिनूंगा जैसे कि घड़ी के अंदर तक घड़ी के क्लॉक के अंदर 12 तक चलता है मैं उसी तरीके से जो है वो गिनूंगा और इस मोमेंट के अंदर कोई भी मूव ना करो सारी चीज़ें बिल्कुल ही शांत हो जाए कोई भी जो फिशरमैन होगा वो किसी वेल को नहीं मारेगा ठीक है कोई वर्कर जो खुद को हर्ट नहीं करेगा हर्ट से मतलब है जैसे कि सॉल्ट मैन यहाँ पे बात हुई है जो सॉल्ट मैन होते हैं जब वो नमक वगैरह उठाते हैं तो उनके हाथ वगैरह छिल जाते हैं तो कोई कुछ काम नहीं करेगा एंड जो और जो लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो उस 12 तब तक मैं 12 तक जब तक गिनती गाऊंगा तब तक आप अपने एक्शंस के बारे में सोचो कि जो तुम एक्शंस करो क्या वो ठीक कर रहे हो या नेचर को तुम तबाह कर रहे हो जो एनिमीज होंगे वो सारे पीसफुली जो एक साथ खड़े होंगे देखो वो एक्चुअल में ना लोगों को यूनाइट करना चाहते हैं कि तुम सारे शांति से यूनाइट हो जाओ कोई देश का कोई बॉर्डर ना हो रहा उस टाइम पे कोई इधर उधर की बात ना हो रही हम सारे जो है यूनाइट होकर खड़े हो ठीक है और कहीं पे कोई वॉर ना हो और हम एक्चुअल में अगर कहीं वॉर चल भी रहते तो हम उस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज जो गंदे कॉन्सिक्वेंसेज होने जा रहे हैं उसको जो है वो उसके बारे में सोचे जैसे कि ट्रक जो है वो ओल्ड सोल्जर्स की बॉडीज़ को लेके जा रहे हैं ठीक है वो देखते हैं कि लोग जो है वो बड़े भागम दौड़ी जो अपने अपनी लाइफ के अंदर मचाई हुई है डेथ से बहुत ज़्यादा डर है इस बारे में तुम किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो ठीक है नेरुडा चाहते हैं कि तुम पॉज लो सेलिब्रेट करो जो तुम्हारी अचीवमेंट जहाँ तक तुमने आज तक जो भी किया उस चीज़ को उन बार 12 तक गिनती के अंदर सेलिब्रेट करो ठीक है जो हमारा डेथ का डर है उसको ख़त्म करो ही बिलीव ये जो है हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो है वो एक समय होगा और हम लाइफ को एक नया मीनिंग देंगे हमारी लाइफ को एक नया बर्थ देंगे जैसे कि अर्थ हमेशा जो है वो देती है ठीक है फिर अल्टीमेटली नेरुडा कहते हैं कि भाई अब मैं जा रहा हूँ अब तुम जो है 12 तक गिनती गाओ तो एक्चुअली इस पूरी पोएम के अंदर नेरुडा साहब कहते हैं कि साइलेंस से जो है वो यूनाइट हो जाओ और 12 तक गिनती गाओ और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो अपने अंदर झांक के देखो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ठीक है देन उसके बाद नेक्स्ट पोएम है भाई हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत अमेजिंग हमारी पोएम है ठीक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या कहता है कि जॉन कीट्स साहब ने पोएम लिखे वो कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी तुम्हारी लाइफ के अंदर जो भी होगी ना वो तुम्हें हमेशा से खुशी देगी जैसे कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि उसे हमेशा से खुशी देती है और अगर वो चीज़ जो है ना वहाँ पे दुख आने का कोई पॉइंट ही नहीं है वहाँ पे हमेशा से खुशी आएगी और वो खुशी हमेशा से बढ़ेगी अगर वो चीज़ तुम्हें दुख दे दें दैट मीन्स वो तुम्हारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है मैं उस चीज़ को बेस लाइन कहता हूँ तुम लोगों की लाइफ के अंदर ना हमेशा से कोई ना कोई एक बेस लाइन होगी वो कोई भी हो सकता है वो हो सकता है वो अपोजिट सेक्स का कोई और इंसान हो ठीक है हमारी माता हो कोई हमारे पिता हो हमारा पेट हो कुछ भी चीज़ हो सकती है ठीक है तो ब्यूटी इज़ समथिंग दैट हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना एक्चुअली में तुम्हारी लाइफ की चीज़ों को ना बिल्कुल बदल देगी हमेशा से बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर देगी और वो तुम्हें बड़ी सुकून दे नींद देगी बड़ी पीसफुल सी स्लीप देगी बहुत अच्छे सांस देगी तुम्हारी गुड हेल्थ देगी ठीक है हर मॉर्निंग जो है अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे कीट साहब ने जो जॉन कीट साहब ने मदर नेचर को बोला है ठीक है तो वो ये बोलते हैं कि हर सुबह उठ के हम जो है एक फ्लावर का बैंड बनाते हैं जो कि हमें अर्थ से कनेक्ट रखता है ठीक है ब्यूटी हैज़ द पावर टू ब्यूटी के पास ये पावर है कि हमारी सारी लाइफ की नेगेटिविटी जो हमारे दिल से वो दिमाग से दूर कर देगी तो उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी पता है किसको बोला है देखो सन को बोला है मून को बोला है ट्रीज को बोला है शिप को बोला है रील्स एंड डेफोडिल्स को बोला है ठीक है लाइव स्ट्रीट्स को बोला है सूडिंग ठीक है सॉरी डेफोडिल्स तक बोला है ठीक है देन उसके बाद उन्होंने माइटी डीड को भी जो है वो बोला है माइटी डीड का मतलब हो गया वो लोग जो कि हमारे देश के लिए जो है वो कुर्बान हुए हैं उनकी उनकी स्टोरी जब भी हम पढ़ते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जब भी हम पढ़ते हैं हमें जो है बहुत एनर्जी मिलती है बहुत खुशी मिलती है वो भी एक तरीके की हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ठीक है जितने भी हमने बचपन के अंदर कहानियाँ सुनी है वो सारी हमारी क्या है वो सारी चीज़ें हमारी जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी तो एक्चुअल में थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी इसके अंदर कितनी चीज़ों को कहा है 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7 ठीक है देन उसके बाद और एटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर ठीक है लाइक ठीक है तो ये सात चीज़ें जो है ये हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी है और यही सातों चीज़ें हमें जो पेपर के अंदर लिखने क्वेश्चन आता है कि जॉन कीट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी किसको ठीक है नेक्स्ट है भाई हमारा अ रोड साइड स्टैंड बहुत अमेजिंग मोम है रोड साइड स्टैंड के अंदर क्या होता है कि भाई मतलब हमारे जो ऑथर होते हैं वो एक घर उसके बाहर जो छपड़ा लगा होता है उसके बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में बताते हैं कि भाई ये लोग जो है बड़े ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं और एक्चुअल में ये जो है तुमसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं ठीक है ये एक्चुअल में बेसिकली चाहते हैं कि जो सिटी का पैसा है वो इनकी लाइफ चलाने के लिए इनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जरा यहाँ तक आए एक सेकंड में जरा देख लूँ मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है नहीं हो रही ठीक है वो सिटी का पैसा यहाँ पर आए ठीक है
वो चाहते हैं कि स्पीकर, वो चाहते हैं कि भाई जो रूरल लाइफ है ठीक है वो ऐसी ही बनी रहे, और वो इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं कि क्यों जो है इसको प्रिजर्व करना, जो हमारी रूरल लाइफ है उसको प्रिजर्व करना अगेंस्ट अर्बनाइजेशन, मतलब कि धीरे धीरे जो है वो सारे गांव जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो के जो है सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमारे हमारे जो ऑथर साहब हैं वो एक्चुअल में अर्बनाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताते हैं, वो चाहते हैं कि तुम इसको समझो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे वो जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पे बड़ा ही जो है बहुत ही अच्छा एक सीन सा जो है मिलता है, ठीक है, जो कि नेचुरल ब्यूटी है। और वहाँ पे कुछ साइंस है जो कि आइटम सेल कर रहे हैं, देखो एक पीछे बहुत ही बड़ा पहाड़ है, उसके आगे जो है लोग अपना एक छपड़ा डाल के घर के बाहर छपड़ा डाल के अपनी जो है कुछ सामान बेच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो साइन बोर्ड लगे ना वो बहुत ही गंदे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सीन जो थोड़ा सा खराब भी दिख रहा है वहाँ पे। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, कंटिन्यू बोल रहे हैं तो इससे गलत थोड़ा हो गया, ठीक है। तो वो अपना कंसर्न बड़ा एक्सप्रेस करते हैं कि यार जो सिटी है जो है वो पैसों के लिए इनसे इनकी लैंड ले लेगी और इनकी जो पीसफुल लाइफ है वो जेपर्डाइज कर देगी, मतलब इनकी लाइफ बिल्कुल खत्म कर देगी, जो पीसफुल लाइफ वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो स्पीकर है वो चाहते हैं कि जो टाउन है, जो गाँव है, बिल्कुल ही अनचेंज रहे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सिटी का इन्फ्लुएंस ना आ पाए, ठीक है। द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉस चेंज, लॉस नॉस्टैल्जिया। देखो इसके अंदर क्या होता है, वो चेंज वो यहाँ पे नहीं चाहते कि गाँव के अंदर कोई भी चेंज हो, क्योंकि वो चाहते कि ये चीज़ प्रिजर्व रहे। वो वहाँ पे लॉस भी दिखाते कि इन लोगों को कितना लॉस हो जाएगा, वो बड़ा नॉस्टैल्जिया फील करते कि वो जब पहले एक बार गाँव गए थे तो कितना अच्छा था वो सारी चीज़ें। तो क्लैश दिखाते हैं रूरल ट्रेडिशन और अर्बन डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है। देयर इज अ प्लीज फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पासिंग ट्रैफिक। वहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो उस पासिंग ट्रैफिक से प्लीज़ कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर आओ, रुको, उस रोड साइड स्टैंड के पास अपनी गाड़ी वगैरह लगाओ, उनसे सामान खरीदो, ताकि जो सिटी का पैसा है वो उन तक आए और वो भी अपनी लाइफ को जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है प्रॉपर चला पाए, बात है समझे, ताकि वो लोग अपनी लाइफ को खुद ख़त्म ना करें, ताकि वो ये जो रूरल लाइफ है उसको ख़त्म करके वो लोग सिटी की तरफ जो है वो चले जाए। यही तो बात हो गई ना, वो जो कह रहे थे कि भाई जो सिटी जो है वो इनका सारी चीज़ें वो ख़त्म कर देगी, वो यही तो चीज़ है कि भाई जो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, अब वहाँ पे जो है वो लोग आकर रुकेंगे नहीं, उनसे सामान खरीदेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे ही जो है अपनी चीज़ लाइफ को चला पाएंगे, ठीक है, बात है। देन उसके बाद हमारी जो लास्ट पोएम दैट इज आंट जेनिफर टाइगर, बहुत अमेजिंग जो है पोएम है। आंट जेनिफर जो है वो एक्चुअल में क्या कर रही होती है, एक एम्ब्रॉयडरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी के अंदर एक्चुअल में इस तरीके का एक गोला सा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक वो कपड़ा लगा दिया जाता है, और हमारी जो आंट होती है वो यहाँ पे जो है वो टाइगर वगैरह बना रही होती है, इस कपड़े के ऊपर प्रॉपर टाइगर बुन रही होती है, ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, रेड कलर और पहन लेते हैं यहाँ पे जो है अपना, यहाँ पे जो प्रॉपर अपना टाइगर वगैरह इस तरीके से बना रही होते हैं, वो टाइगर जो बना रही होते हैं ना, ये इसके मान लो ऐसे पैर वैर हो गए जो भी हो गया, और ये इस तरीके से बहुत ही निडर जो है वो टाइगर बनाती है कि मतलब काफ़ी सारे टाइगर वहाँ बनाती है कि ये बिल्कुल भी नहीं किसी डरते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, ये इस पोएम के अंदर ना बात हो रही है कि सारी मेल डोमिनेंस के ऊपर। एक्चुअल में जो हमारी आंटी है वो एक मैरिड वुमन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूटीफुल होम मेकर बन के रह गई है, ठीक है। द पोएम टू द वर्ल्ड ऑफ आंट जेनिफर टेल्स अस द इनर डिजायर टू thank you.
हार जाते वो, लेकिन वो पहुंच गया लेवल 3 के अंदर, ठीक है, वो पहुंच गया लेवल 3 के अंदर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, लोगों का मानना था वहां पे सिर्फ 2 लेवल है, वो कह रहा है भाई मैं लेवल 3 पे भी पहुंच गया हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी के अंदर। तो वो ये सारा एक्सपीरियंस जो अपने दोस्त सैम को बताता है, सैम भी बहुत अहम करेक्टर है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, उसका सैम दोस्त बोलता है कि तू महामूरख इंसान है, तू पागल है भाई, तू जो है एक्चुअल में, वो कहता है कि तू जो है वो जो प्रेशर है ना लाइफ का उससे भागना चाहता है, उन टेम्पररी जो है वो उन टेंशन से भागना चाहता है जो मॉडर्न वर्ल्ड हमें देता है, इसे तो फालतू की बातें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो जो उसका सैम है वो एक उसका दोस्त कहता है कि जो तुमको थर्ड लेवल मिला ना ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब कि एक होता है ना कि हम चलते चलते दिन के अंदर जो सपने देखते हैं वो इस तरीके का जो तेरा कोई सपना होगा भाई और कुछ नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना जो जो हमारा क्या है हमारा चार्ली है, इसकी एक आदत और है कि ना स्टैम्प कलेक्शन करता है। स्टैम्प कलेक्शन का मतलब है कि भाई पुराने जो पोस्ट ऑफिस के ऊपर जो स्टैम्प्स लगते थे ना वो कलेक्ट करता था, लोगों को बड़ा क्रेज है, ठीक है, और इसको भी बड़ा क्रेज था, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो तेरी आदत है ना ये भी जो है रियल वर्ल्ड से भागना के लिए जो है तेरे अटेम्प्ट होते हैं। और मतलब तुम खुद सोचो एक बंदा जो पास्ट को जीवित रखना चाह रहा है, किससे जीवित रखना चाह रहा है, वो स्टैम्प से जो है वो जीवित रखना चाह रहा है, और वो बंदा लेवल 3 पे पहुंच जाता है। और मैं आगे भी आपको चैप्टर के अंदर समझाने वाला हूँ कि जो लेवल 3 है वो एक्चुअल में पास्ट के अंदर पहुंच जाता है। तो समवेयर उसका दोस्त साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि तू क्योंकि पास्ट की चीज़ों को रिलेट करता हमेशा, इसलिए तेरी वो दिन में चलने वाला कोई एक सपना होगा जो तू देख रहा है, ठीक है। वो ये बात बोल के उसको टाल देता है। फिर आगे क्या होता है कि देखो वहाँ पे एक्चुअली जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है वहाँ पे होता क्या चार्ली के साथ, वो जो अपने घर पे जब वापस आ रहा होता है तो वहाँ पे केवल 2 लेवल होते हैं, लेकिन वो खुद को तीसरे लेवल पे पा लेता है, ठीक है। तो कि जैसे ही वो टनल के अंदर घुसता है, लॉबी के अंदर जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि लोग जो पुराने क्लोथ के जो है वो कपड़े पहन रखे, मतलब जैसे ही वो लेवल 3 के अंदर जाता है उसको लगता है, वो देखता है कि लोग पुराने के कपड़े पहन रखे हैं। और आर्किटेक्चर जैसे वो लेवल 3 का देखता है भाई, ये देखता है कि भी बिल्कुल पुराना है, ठीक है, और जो है वो बिल्कुल जो 2 लेवल है स्टेशन के उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। और वो खुद को इमेजिन करता है कि वो 1894 के अंदर आ चुका है, और वहां पे वो एक पेपर भी देखता है, द वर्ल्ड पेपर का नाम है, जिस पे डेट लिखी होती है 11 जून 1894। और ये जो चैप्टर था वो मतलब प्रेजेंट जो हमारा टाइम था वो था जो हमारा मिड वाला कुछ 90s की बात थी, और ये पास्ट के अंदर पहुंच गया था, ठीक है। तो वहां पे जैसे वो लेवल 3 पे जो है गैल्सबर्ग के वो टिकट काउंटर पे जाता है गैल्सबर्ग के लिए टिकट लेने, ध्यान रखना वो टिकट काउंटर पे जाता है, तो जो आज की मॉडर्न करेंसी होती है वो मॉडर्न करेंसी देख के जो स्टेशन पे जो बंदा होता है वो बोलता है कि भाई तू चला जा तो मेरे साथ चिटिंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज का 200 का नोट लेके पिछले टाइम के अंदर चला जाऊं, ठीक है, 2016 से पहले वाले टाइम में चला जाऊं, तो लोग बोलेंगे मारूंगा तेरे को, चूरन भी नहीं दूंगा इसके अंदर मैं, तो वही वाली बात हो गई थी उसके साथ। तो चार्ली जो थर्ड लेवल पे वो डिसाइड करता है कि ठीक है वो वापस से जो है ऊपर जाएगा और अगले दिन वापस आएगा, ये जो पैसा है उसको पुरानी करेंसी के अंदर चेंज करवा के, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है उसके साथ होता है। तो फिर जो है वो अपनी जर्नी प्लान करता है कि वो गैल्सबर्ग जाएगा, वो क्या करता है, वो एक्चुअल में नेक्स्ट दिन जाता है $300 लेकर, और उसके लिए उसको $200 पुरानी करेंसी मिलती है। जाहिर सी बात है कोई पुरानी करेंसी दे रहा है तो कोई बंदा जो बिजनेस कर रहा था वो तो उसे चार्ज काटेगा ही, ठीक है। तो वो वापस जाता है, ठीक है, और द लॉस बॉदर हिम बिकॉज एवरीथिंग, वो उसको लगता है कि भाई ये जो लॉस मुझे $100 को है ना इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैल्सबर्ग के अंदर 1894 के अंदर तो सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन फिर जब वो जो है वो वापस से स्टेशन पे जाता है तो उसको थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। एक्चुअली वो थर्ड लेवल पे जाता ही नहीं है, उसकी एक इमेजिनेशन होती है, ठीक है। पर अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर आए कि आपको क्या लगता है कि क्या वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, तो इसका आंसर जो होता है ना वो येस भी होता है, वो नो भी होता है। बट मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप उसके अंदर जो है वो येस लिखना, क्योंकि हमें जो है जस्टिफिकेशन देनी होती है, और जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि भाई वहां पे टिकट काउंटर पे बंदा मिला था उसको, वो उसको उससे नई करेंसी नहीं लेता, पुरानी करेंसी के लिए बोलता, वो बोलता है कि तू चीटिंग कर रहा है, उसको पेपर मिला था, तो ये सारी चीजें हम सपोर्ट कर देते हैं, उस आर्किटेक्चर वहां का बड़ा डिफरेंट था, तो हमारा आंसर जो जस्टिफाई होता है। नो जस्ट नो के लिए बड़ी कम लाइन होती है हमारे पास लिखने के लिए, तो 5 नंबर के अंदर आ जाता है, तो भाई यस लिखना बहुत सही रहता है, ठीक है। तो यहां पे जो है क्या कहता है, तो फिर क्या होता है कि भाई उसको जब वो थर्ड लेवल नहीं मिलता अगले दिन वापस, तो वो वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन के अंदर आ जाता है, वो उस बात को प्रॉपर भूल जाता है। फिर उसके बाद एक कहानी और एक न्यूज़ आती है कि सैम जो उसका दोस्त साइकियाट्रिस्ट था वो खो गया है। अब क्या होता है कि भाई वो सारे लोग जो है सैम को ढूंढ रहे हैं, सैम मिल ही नहीं रहा भाई बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपना ना देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट डे कवर होती है एक चीज़, मैं आपको पुरानी स्लाइड पे लेकर आऊँगा, फर्स्ट डे कवर एक चीज़ होती है, लोगों की एक आदत होती है कि भाई जिस दिन स्टैम्प रिलीज हुआ है ना उसी दिन जाके उसके ऊपर पोस्ट का जो थप्पा लगाना है, ठीक है, पोस्ट का थप्पा लगवाना है। तो भाई वो पोस्ट का थप्पा लगवा के ना एक वो क्या करते हैं कि वो उसके अंदर एनवेलप के अंदर खाली ब्लैंक पेपर डाल देते हैं और खुद को ही जो है वो पोस्ट करवा देते हैं ताकि पोस्ट ऑफिस का जो है थप्पा लग के उनके पास आ जाए। तो वो जो हमारा चार्ली होता है वो अपने जब लेटर्स देखता है तो उसको वहाँ पे सैम का एक लेटर मिलता है जो कि पास्ट से आता है, ठीक है। सैम का उसको जो है लेटर मिलता है और वो उसको बताता है कि इन द लेटर सैम बताता है उसको कि भाई वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है। देखो गैल्सबर्ग के बारे में चार्ली सैम को बहुत ज़्यादा बताता था और वो कहता है कि भाई मैं गैल्सबर्ग पहुंच गया, वो उसकी चार्ली को और उसकी वाइफ ल्यूजा को उनको इन्वाइट करता है कि आ जाओ भाई बहुत अमेजिंग जो है वो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, देखो होता क्या है, अब यहाँ पे हम सपोर्ट के लिए ये भी लिख सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया ना कि वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। आप बोलोगे कि यस वो पहुंचा था,
था, पहले तो सारी वो तीनों चीजें बता दी, फिर आप बोलोगे कि जब वो उसका दोस्त सैम खोता है तो वो कहाँ जाता है, वो कॉइन शॉप पे जाता है अपने सैम दोस्त के बारे में पूछने के लिए, और वहां पे उसको पता चलता है कि वो $800 जो वो ओल्ड करेंसी लेके गया है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि हाँ भाई उसको थर्ड लेवल मिला था, और अब सैम वहां पहुंच गया जो कि सेक्रेटरी था, जो कि उसको नहीं मान रहा था, उसको बेवकूफ बोल रहा था, समझ रहे हो। तो चार्ली का सेक्रेटरी फ्रेंड जो है वो वहां पे पहुंच जाता है, ही अर्जेस चार्ली एंड वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, बोलता है कि भाई तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल रहा, पर तुम ढूंढते रहो तुम्हें थर्ड लेवल जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे कवर मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद लाइफ एट गैल्सबर्ग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, भाई देखो गैल्सबर्ग जो उसको एक्सप्लेन करता था चार्ली सैम को, वो यही बोलता था कि भाई गैल्सबर्ग जो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे जो है टाउन हो विद बिग बिग ओल्ड फ्रेम के हाउसेज होंगे, बड़े बड़े लॉन्स होंगे, बड़ी बड़ी ट्रीज है, यहाँ पे समर की जो इवनिंग है वो थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है, पीपल जो अपने लॉन के अंदर बैठते हैं, सिगार पीते हैं, ठीक है, बड़े शांति से जो है वो बात करते हैं, वुमेन जो है वो पाम लीव जो है उसको लेके, क्योंकि पहले के टाइम पे तो पाम लीफ से हवा करते थे वो चलते, इट मीन्स द पीपल लिव्ड इन द पीस एंड हार्मनी, और वहाँ पे वो जो बताता है कि जो लोग हैं वहाँ पे अपने खाली समय के अंदर बहुत ही पीस और बहुत ही हार्मनी के साथ जो है रहते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर था द थर्ड लेवल, ठीक है। इसके अंदर बात ये है कि बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है लोगों को, मतलब यहाँ पे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो एक्चुअल में वो थर्ड लेवल में पहुंचा था ऐसा आपको आंसर में लिखना है, और नो भी आप लिख सकते हो, बस आपको जस्टिफिकेशन के लिए देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा द टाइगर किंग, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। इसके अंदर क्या होता है, महाराजा होता है प्रतिबंधपुरम के, जो कि मेन कहानी है। होता क्या है, इस पूरे चैप्टर को मैं आपको समझाता हूँ कायदे से। यहाँ पे क्या होता है कि बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होता है, उसके नाम क्या के बड़े सारे प्रीफिक्स लगे होते हैं, राजा महाराज योगी राज जनजन बहादुर ऐसे करके, फिर उसके बाद जो है उसका नाम आता है, ठीक है। लेकिन उनका जो टाइटल होता है द टाइगर किंग, इस नाम से वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे होते हैं तो एक चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है जो कि उनकी डेथ का कारण जो है वो बताता है कि ये जो बच्चा है वो किसके अंदर पैदा हुआ है, वो आर ऑफ द बुल के अंदर पैदा हुआ है, तो इनकी जो इनकी मौत का जो बनेगा वो एक टाइगर बनेगा, ठीक है। जो बच्चा होता है जो कि कितने दिन का है, 10 दिन का बच्चा है, वो उठता है और वो जो है उनसे जो है बोलने लगता है कि भाई मुझे एक बात बता। वो सबसे बोलता है कि जो अब जितने भी टाइगर है ना उनको मुझसे बचा के रखना। जो वहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे खड़े होते हैं, दंग रह जाते हैं कि भाई 10 दिन का बच्चा जो है बोल रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट वो बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन एक पूछता है, वो ये सोचकर और दंग रह जाते हैं कि ठीक है भाई एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, पर वो भी इतना वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा है। वहाँ पे वो बच्चा जो हमारे महाराजा होते हैं वो पूछते हैं कि भाई देख एक मौत तो सबको आनी ही आनी है एक दिन, तो ये बता कि मेरी मौत का कारण क्या बनेगा। फिर वो बताता है कि टाइगर आपकी मौत का कारण बनेगा। फिर वो बच्चा बोलता है कि टाइगरों को मुझसे बचा के रखना। अब जो हमारे जो महाराजा होते हैं उनकी बिल्कुल एक इंग्लिश जो हमारे लोग होते हैं उनकी तरह परवरिश होते हैं। क्यों, क्योंकि ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में आ चुका था, और वहाँ पे जितने भी हमारे राजा महाराजा होते थे वो एक्चुअल में इंग्लिश कल्चर के अंदर जो है वो ढल चुके थे। तो यहाँ पे जो है वो उनकी जो है क्या कहते हैं वो इंग्लिश काउ का जो है दूध पीते थे, और उनकी नैनी जो है वो इंग्लिश थी, उनको पढ़ाने भी इंग्लिश मैन ही आता था, वो इंग्लिश मूवीज ही सारी देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हमारा किंग जो बच्चा था जो कि अब वो अपने 20s के अंदर आके वो अपनी गद्दी जो है संभाल लेता है, फिर उसको जो अपने प्रेडिक्शन जो है वो याद आती है, और वो अपना पहला टाइगर जो है मारता है। वो पहला टाइगर जो है ये सोच के मारता है कि सर जो सेल्फ डिफेंस के अंदर तो हमें जो है गाय जिसकी हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं उसको मारना भी जो है वो वैलिड है, तो मैं तो फिर भी सेल्फ डिफेंस में एक टाइगर को मारा। तो ये सोच के फिर वो अपना पहला टाइगर का शिकार कर देता है। वो टाइगर का शिकार करके जो है वो चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि मैंने टाइगर मार दिया, अब क्या है। वो बोलता है, उसको चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि सर मुझे जो है आपके 99 टाइगर से जो है वो खतरा नहीं है, मुझे खतरा है वो एक टाइगर से। तो फिर वो कहता है कि अगर मैंने जो है 100 टाइगर मार दिए तो मैं क्या करूँगा। कहता है कि भाई मैं अपनी जो है मैं अपनी बुक जो है फाड़ दूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, और मैं एक जो है इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर उसको कहता है, ठीक है। तो वो अपने मिशन जो है 100 टाइगर पे जो है वो शुरू कर देता है, और लोगों पे बिल्कुल बैन लगा देता है कि अगर किसी ने टाइगर को मारने की कोशिश करी एक्सेप्ट राजा, तो वो भाई उसको जो है बिल्कुल खाट उसकी खड़ी कर देगा। तो फिर क्या हो जाता है, फिर एक बार क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है प्रतिबंधपुरम के अंदर आता है, वो टाइगर को मारने के लिए आता है, पर उसको जो है वो परमिशन दी जाती है, ठीक है। और क्योंकि फिर राजा को जो बड़ा डर लगता है कि यार अगर मैंने इसको परमिशन नहीं दी तो एक्चुअल में जो मेरा किंगडम है वो मेरे से छीन ले जाएगा और बड़ी ही दिक्कत आ जाएगी। तो वो क्या करता है, बड़ी ही डायमंड एक्सपेंसिव रिंग्स मंगाता है 50, ठीक है। और वहाँ पे वो जो है डायमंड रिंग्स जो अपनी उसकी वाइफ को भेजता है, ऑफिसर की वाइफ को भेजता है, और उसकी वाइफ इतनी लालची होती है कि वो उसको बोलता है कि आप एक या दो रिंग ले लेना, पर वो 50 की 50 रिंग जो है वहाँ पे रख लेता है, और उस टाइम पे 3 लाख रुपये का जो बिल आता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है टाइगर का फिर जो हंटिंग है एटलीस्ट, पर वो मान जाता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे उसमें नहीं करूँगा, पर उसको 3 लाख रुपये जो पड़ते हैं। राजा सोचता है कि चलो ठीक है 3 लाख गए कोई नहीं, बट मेरे से जो है वो अब यहाँ पे शेर का शिकार कोई नहीं करेगा। तो ऐसे करके लगभग 70 टाइगर जो है मार देता। अब क्या होता है कि उसके किंगडम के अंदर जो टाइगर है वो खत्म होने जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, अपने आसपास की एक रानी ढूंढता है जहाँ पे जो है बहुत सारे जो है टाइगर्स हो, फिर वो उस रानी से जो है वो शादी करता है ताकि वहाँ जाके जो है टाइगर मार सके। और तब भी जब भी वो अपने ससुराल जाता है, फादर इन लॉ के पास जाता है, वो एटलीस्ट 5 से 6 टाइगर जो है मार के आता है। ऐसे करते करते वो 99 टाइगर जो है मार देता है। बट अब क्या होता है कि एक टाइगर को मारने की एंजाइटी बहुत ज़्यादा और जाती है, और टाइगर जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एक उसको दिन रात जो है बस वो यही सपना देखता है कि उसने टाइगर मार दिया। फिर एक बार क्या होता है
उसका जो दीवान होता है वो पीपल पार्क मद्रास से जो एक टाइगर जो है वो लेकर आता है उसको, जो है कुछ दिन उसको अपने घर के अंदर रखता है, उसको अच्छे से खिला पिला के फिर फॉरेस्ट के अंदर जो है वापस से छोड़ देता है, तो फिर वो ताकि उसको जो है वो मार सके, हमारे जो राजा है वो मार सके। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई जो हमारे राजा होते हैं वो जब उस पर गोली चलाते हैं तो एक्चुअल में वो जो टाइगर होता है वो बेहोश हो जाता है, वो फेंट हो जाता है, उसको गोली लगती है ना, बट राजा को लगता है कि उसने जो है वो मार दिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि राजा वहाँ से चले जाते हैं तो जो उसके सर्वेंट होते हैं वो सोचते हैं भाई अगर ये टाइगर जिंदा रह गया तो राजा तो हमें जो है बहुत ज़्यादा हमारी जॉब चली जाएगी, हमारी खाट खड़ी कर देंगे। ऐसे में क्या करता है, एक उनमें से जो सर्वेंट होता है वो टाइगर को मार देता है और राजा को बोल देता है कि हाँ आप ही ने मारा, आप ही ने मारा। बड़ी शानो शौकत से जो है टाइगर को जो है वो लेकर आता है, उसकी जो प्रॉपर स्टैचू वगैरह जहाँ पे जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जैसे टाइगर जाता है, जैसे ही राजा वहाँ से चला जाता है तो टाइगर अपनी आँख खोल लेता है। ठीक है, और एक हंटर जो उसको मार देता है, जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई है कि उनमें से एक जो उनका सर्वेंट होता है उसको मार देता है। ठीक है, बड़ा उसको जो है शानो शौकत से लेके जाता है। फिर एक बार क्या होता है कि टाइगर के लड़के का जो जन्मदिन होता है तो वो उसको एक वुडन का टाइगर जो है वो गिफ्ट करता है, जो कि बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं से वो तिली विले ये सब जो है वो निकल रहे होते हैं, तो उसको अपने बच्चे को जो है वो एक स्पेशल जो है वो गिफ्ट देना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर से जो एक कांटा होता है वो उसकी उंगली के अंदर घुस जाता है, उसके हाथ के अंदर जो पूरी स्वेलिंग वगैरह जो है वो आ जाती है, पूरा इन्फेक्शन जो है फैल जाता है। वहाँ पे मद्रास से जो है वो तीन सर्जन को बुलाया जाता है जो कि ऑपरेट करते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई महाराजा जो है वो डेड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है महाराजा की डेथ जो है एक लकड़ी का टाइगर जो है वो उससे होती है। ये हमारा टाइगर किंग का जो प्रॉपर पूरा सार मैंने आपको। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द। देखो यार बड़ा अमेजिंग चैप्टर है यहाँ पे। हमारी जो नरेटर है वो एक्चुअल में एक रशियन शिप रिसर्च शिप का जो नाम होता है दैट इज एकेडमिक सोलेस की, उसके ऊपर जाती है। वो क्या करते हैं, वो अपना कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट जो है अंटार्क्टिका के अंदर जो है वो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ही सेट फुट ऑन द अंटार्क्टिका आफ्टर वो अपने घर से जो है वो 100 घंटा ट्रैवल करके जो है वहाँ पे अंटार्क्टिका पहुँचते हैं, जिसमें वो कार शिप वगैरह सबसे ट्रैवल रैल करके आती है। होता क्या है कि 650 साल पहले वो ये वहाँ पे जाके देखते हैं कि भाई एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडावा होता था। गोंडावा क्या होता था यार, देखो ये आज की हमारी अर्थ है, लेकिन हमारी अर्थ जो है एक्चुअल में ऐसी नहीं रहती थी, पहले हमारी अर्थ ऐसी थी। फिर उसके बाद जो है मेट्रॉइड्स वगैरह गिरे जो है यहाँ पे जो है वाइब्रेशन वगैरह हुई, जिससे जो है हमारी अर्थ जो है धीरे 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 वो यहाँ से होती हुई ऐसे जो है वो कन्वर्ट हो गई, जो चीज़ें वो इधर उधर चली गई। तो वहाँ पे ये चीज़ फील, देखो ये जो है हमारी गोंडावा लैंड है और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं इंडिया था और यहाँ पे अंटार्क्टिका वगैरह था, तो ये सोचते कि इंडिया भी अंटार्क्टिका के पास ही था। अब वो कहीं से इधर उधर निकल के जो है यहाँ पे एशिया के अंदर घुस चुका है, साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है देखो ऐसे जाता है, और यहाँ पे एक ड्रैग सा पैसेज सा है जिससे अंटार्क्टिका जो है वो नीचे ही रह गया। ठीक है, तो ये गोंडावा हुआ करता था। इंडिया एंड अंटार्क्टिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास गोंडावा, जो कि मैंने तो गोंडावा लगभग 500 मिलियन साल तक जो है वो रहा था। गोंडावा का जो थोड़ा वार्म क्लाइमेट हुआ करता था, बड़ा ही वहाँ पे बड़ा ही नेचर जो है जानवर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी, नेचर बहुत था। ठीक है, फिर जो लैंड मास है वो डिसइंटीग्रेट हो गए और जो कंट्रीज है वो आज आपके सामने है, जिस तरीके से वो इधर चला गया। इंडिया जो है वो नॉर्थ के अंदर गया, जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाके जो है वो घुस गया और एक ड्रैग पैसेज बन गया, इसने एक सर्कमपोलर करंट बना दिया। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे जो है पानी आता है वो इस तरीके से बड़ा घूमता हुआ सा आता है। ठीक है, जिससे होता क्या है अंटार्क्टिका जो बड़ा फ्रिजिड रह जाता है और वो बिल्कुल ही एकदम बॉटम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रह चुका, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, अंटार्क्टिका में ह्यूमन पॉपुलेशन कभी सस्टेन ही नहीं कर पाई। ठीक है, इफ़ वी वेंट टू स्टडी एंड एग्जामिन अर्थ पास, देखो अगर आपको अर्थ का पास प्रेजेंट और फ्यूचर जाना है, अंटार्क्टिका इज द राइट प्लेस टू गो, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन ने कभी वो वहाँ पे ठीक से गया ही नहीं, वहाँ पे ऐसी पैसे अभी भी वैसे ही है। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम का नाम था। देखो एक प्रोग्राम का जो नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो हमारे गॉफ ग्रीन थे वो हाई स्कूल के बच्चों को जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड अंटार्क्टिका लेके जाते थे, जिसमें हमारी ऑथर भी उनके साथ जो है वो गई थी। ठीक है, ये प्रोग्राम हेल्प करता था उनको जो है हमारे प्लैनेट को रिस्पेक्ट करने को, उनको बेहतर समझने के लिए। ठीक है, अंटार्क्टिका इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी लिटिल क्लाइमेट चेंजेस हैविंग बिग रिपरकशन, वहाँ पे जो है अंटार्क्टिका एक बेस्ट प्लेस है ये समझने के लिए भाई छोटी छोटी चीज़ों का नेचर के ऊपर कितना जो है बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर आगे और ज्यादा इफेक्ट करते तो अंटार्क्टिका रीजन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। दे मे बी ब्रिंग डिजास्टर्स क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे डिजास्टर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेटल चेंज वर्ल्ड के अंदर नहीं है। तो ये हमारा था प्रॉपर पूरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द एनिमी। इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड समझाता हूँ। ये उस टाइम का जो है चैप्टर है जब हमारी यूएस और जापान की जो है वॉर चल रही थी। ध्यान रखना ये वर्ल्ड वॉर टू वाला टाइम, तो वहाँ पे डॉक्टर सदाओ जो कि एक अमेरिका जाते हैं सर्जन की पढ़ाई करने, 22 साल की एज के अंदर जाते हैं। वो एक बढ़िया डॉक्टर तो होते हैं, उसके साथ साथ वो बहुत बढ़िया जो है वो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, परफेक्टेड द मेडिसिन दैट कुड रेंडर वाउंड क्लीन, रेंडर वाउंड क्लीन। ठीक है, हाँ यहीं तक यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई वो 22 साल की एज के अंदर पढ़ने जाते हो, बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं और इनफैक्ट वो साइंटिस्ट भी होते हैं। वो उनकी वाइफ होती है ना, शादी करते जो कि वो उनसे अमेरिका के अंदर ही मिला थी। ठीक है, उनको क्या होता था कि जब उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर टू हमारी चल रही थी तो जापान के जो हमारी आर्मी होती थी जो ट्रूप्स होते थे उनके साथ जो डॉक्टर्स भेजे जाते थे ताकि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो डॉक्टर उनको ट्रीट कर सके। लेकिन जो है उनको अब्रॉड नहीं भेजा गया, उनको जो है वो लड़ाइयों के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि जो जनरल थे, एक ध्यान रखना, एक हमारे आर्मी के बड़े बहुत हाई रैंक लेवल के एक जनरल थे जिनको
जिनको जनरल जो है वो उनके टेक केयर करता था, उनके हेल्थ इशूज थे, तो काफ़ी सारे हेल्थ इशूज आ रहे थे वगैरह, ये सब पड़ जाते थे, तो इसलिए डॉक्टर सदाओ को उनके टेक केयर के लिए यहाँ पे रखा गया। ठीक है, फिर वो जो है एक रात उनको जो है उनका जो घर था डॉक्टर सदाओ का, वो एक्चुअली एक बीच के पास था, एक बीच के पास समुद्र वगैरह पत्थर वगैरह, वहाँ पे टॉम आता है। टॉम कौन है? एक यूएस सेलर है। देखो लड़ाई चल रही है यूएस और जापान की, एक यूएस का सेलर आता है जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि उसको जो है जापान की जो आर्मी है बंदी बनाया हुआ है। ठीक है, तो टॉम को जो रेस्क्यू किया जाता है और उसको वॉश किया जाता है। ठीक है, और उसके जो उसको देखते हैं उसके पीछे जो गन वगैरह जो है लगी हुई, बड़ी बुरी हालत के अंदर है वो। तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर सदाओ के पास एक बड़ा चैलेंज आता है कि यार मैं ऐसे मोमेंट के अंदर क्या करूँ, क्या मैं अपने देश को आगे रखूँ या मैं अपनी ड्यूटी को आगे रखूँ। तो हमारे जो ऑथर है वो अपनी ड्यूटी को आगे रखते कि मेरे लिए जो है मैं अपने अपनी ड्यूटी पहले निभाऊंगा, मैं इस इंसान को मरने, और उसके बाद वो अपना पैट्रियाटिज्म अपनी देशभक्ति भी शो करते हैं, क्योंकि वो जो है प्रॉपर इस बारे में अपने जनरल को भी बताते हैं आगे, मैं समझाऊंगा। तो उसको ऑपरेट करते हैं बुलेट्स वगैरह के जो है उसके रिमूव करते हैं, टॉम जो है फिर वो रिकवर कर जाता है। तो अब उसके बाद अपनी पैट्रियाटिज्म जो है वो कैसे शो करते हैं, वो जनरल को सारी चीज़ें बता देते हैं, और जनरल जो है उनको एक सलाह देता है कि मैं जो है असासिन भेजूंगा। असासिन वो लोग होते हैं जो कि मतलब मौत देते हैं लोगों को और उनकी फिर बॉडी का भी पता नहीं लगने देते, ठीक है, ताकि तुम जो है वो बच सको। वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, आपको जो ठीक लगे आप इसको जो है करो। लेकिन जो असासिन्स होते हैं जनरल के, वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि जनरल की तबीयत खराब होती है और वो भूल जाते हैं इस बात को, समझ रहे हो। तो बीइंग अ डॉक्टर एंड कंपैशनेट पर्सन सदाओ फेल्स टू हार्म टू टॉम, क्योंकि वो एक कंपैशनेट डॉक्टर होते हैं, एक अच्छे पर्सन होते हैं, तो वो जो टॉम होता है उसको हार्म नहीं करते। तो फिर क्योंकि दो तीन दिन रातों तक कोई भी असासिन वहाँ पे नहीं आता, तो फिर वो उसको वहाँ से भगाने का जो है प्लान करते हैं कि ठीक है अब तू जा यहाँ पे, तो उसको जो है उसको हेल्प करते हैं। उसके लिए एक बोट के अंदर जो है सारा सामान वगैरह रखते हैं, टॉर्च लाइट भी देते हैं, उसको लाइट भी देते हैं, उसको बोलते हैं पास में जाएगा तो एक छोटा सा बीच रास्ते का वहाँ पे जो है वो कोरियन जो है बोट्स आती है, उन बोट्स के अंदर बैठ जाना, क्योंकि जो कोरियन बोट जो यूएस के लोग होते हैं उनको बड़ी जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो भगा देते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा द एनिमी चैप्टर भाई। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर जो है दैट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट, बड़ा अमेजिंग चैप्टर है। यहाँ पे क्या होता है, एक डेरी नाम का लड़का होता है जो कि 14 साल का होता है, वो मिस्टर लैम से मिलता है। ठीक है, मिस्टर लैम जो है अपने गार्डन के अंदर जो है वो बैठे होते हैं, और जो डेरी होता है वो दीवार कूद के उनके जो है वहाँ पे घुसता है उनके गार्डन के अंदर। ठीक है, तो वो वहाँ पे यह देखता है कि जो मिस्टर ओल्ड मिस्टर लैम जो है वो अपने एप्पल्स वगैरह जो है वहाँ पे गिरे हुए हैं उनको उठा रहे हैं। ठीक है, डेरी बड़ा एम्बेरस फील करता है और वहाँ से जो है जाना चाहता है कि एकदम से, कि उनको लगता है कि मेरे को डांटेगा मुझे देख के कुछ। तो वहाँ पे जो मिस्टर लैम जो उसको बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं जो स्ट्रेंजर्स जब यहाँ पे आते तो मैं माइंड नहीं करता, कोई दिक्कत। कहते हैं तुमको द गेट ऑफ द गार्डन आर ओपन फॉर एवरीवन, वो कहते हैं मैं हमेशा जो है गेट जो है गार्डन के वो खुले ही रखता हूँ। ठीक है, अब जो डेरी है वो बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स रिडन बॉय, कैसे वो लोगों से ना डरता था। ठीक है, उसको ये लगता है कि लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसके फेस जो है वो जल चुका है एसिड अटैक की वजह से, फेस पे जो एसिड अटैक हो जाता है राइट एंड साइड पे जो प्रॉपर एक जो है वो जल बर्न मार कर रहा था, तो उसको लगता है कि लोग उससे डरते हैं देख। ठीक है, तो वो जो है वो मिस्टर लैम से मिक्स होना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसके मन के अंदर तो यही फीलिंग थी। ठीक है, ही थिंक्स इवन हिज मदर किसेस हिम ओनली ऑन द गुड साइड ऑफ हिज फेस, उसका ये मानना मेरी मम्मा भी इनफैक्ट मुझे उस गाल पे किस करते हैं जहाँ पे जो है वो बर्न के मार्क्स नहीं। ठीक है, और वो यही मानता है कि जो वर्ल्ड है बहुत ही बिटर है, बहुत ही गंदा है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है 14 साल के बच्चे के ऊपर अगर एसिड गिराओ और उसको जो है हर लोग जो बुरी नज़र से देख रहे हो, उसके बारे में 10 बातें करो, तो उसके अंदर तो लोगों के लिए कड़वाहट पैदा होगी ही, जो भी थी। ठीक है, बड़ा ही ओवर ऑब्सेस हो चुका था वो खुद से। ठीक है, लेकिन मिस्टर जो लैम्प होते हैं वो उसके लिए बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर भरते हैं, वो बताते हैं कि भाई मैं खुद भी तो हैंडीकैप हूँ। ठीक है, जो मिस्टर लैम्प होते हैं उनके जो एक्चुअली जो पैर होता है वो टिन का पैर होता है, उनके बॉम्ब ब्लास्टिंग के अंदर एक पैर जो है वो वहाँ से हट जाता है। ठीक है, ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं उन सारे क्रिएचर्स को प्यार करता हूँ जो कि ईश्वर ने बनाए हैं। ठीक है, इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है, हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है। ठीक है, जो कि मेरे गार्डन के अंदर अगर तुम वीड्स देखोगे ना, उनका भी अपना एक महत्व है। ठीक है, वो डेरी को एडवाइस करते हैं कि तुम जो संसार है उसके ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना जो है वो शुरू करो, और ये जो लोग जो फालतू के कमेंट्स मारते हैं इनको बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है, और ये जो तुम लोगों के अपने मन के अंदर लोगों के प्रति जो हार्ट रेट भर रहे हो ना भाई, ये तुम्हें अंदर से एक्चुअली में करोड़ कर देगा, और ये उससे ज़्यादा बुरा है जो तुम्हारे फेस पे एसिड गिरा, उससे ज़्यादा बुरा ये चीज़। ठीक है, कंसीडर्स डेरी टू बी फ्रेंड, और वो ये मतलब उसको बोलते हैं कि भाई तू मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर लैम उसको बोल। ठीक है, और वहाँ पे वो इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे अगर तुम इन बीज को देखोगे लोगों को लगेगा बिजनेस वाली गंदी साउंड निकालते, बट मैं ये मान ये भी हमिंग कर रही है, मतलब वो हर एक चीज़ का उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताते हैं कि हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको उसको एक स्टोरी भी सुनाते हैं कि भाई एक बंदा होता है, ठीक है, एक टिमिड मैन होता है जो कि घर से बाहर ही नहीं निकलता, किस लिए कि उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो उसको डर लगता है कि वो कहीं घर से बाहर निकलेगा उसके पैर जो है वो पैर से स्लिप होकर वो गिर ना जाए, उसकी उसकी डेथ ना हो जाए, उसके ऊपर गाड़ी
लेना चल जाए। वो कहता है कि तुम मानेगा उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी डेथ ऐसे हुई है कि भाई उसके रूम के अंदर जो एक फोटो टकरी थी ना वो उसके ऊपर गिरी, उसकी डेथ हो गई। तो वो उसको बड़ा ही पॉजिटिव साइड जो है वो चीज़ों के बताते हैं कि तू ऐसे अगर लोगों से डर डर के रहेगा, लोगों के प्रति नफरत रखेगा, तो कभी इस संसार का एक अच्छी साइड जो है वो कभी देख नहीं पाएगा, कभी फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन सबसे जो है डेरी का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है, वो इंटरेस्ट लेने लगता है मिस्टर लैम की बातों के अंदर। और वो मिस्टर लैम का जो घर होता है, ध्यान रखना उसके अंदर कोई भी पर्दे नहीं होते, तो जो गार्डन का गेट होता है वो हमेशा से खुला रहता है। ठीक है, लाइक्स टू लिसन मोर टू मिस्टर लैम, वो मिस्टर लैम को और सुनना पसंद करता है। ठीक है, और मिस्टर लैम जो अपना काम कर रहे थे गार्डन के अंदर बैठ के, वो अपने जेलीज वगैरह मतलब वहाँ पे जो है उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि देख तू अभी यहाँ से जाएगा ना तू वापस नहीं आएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे होता क्या, एक्चुअली मिस्टर लैम जो होते हैं ना वो खुद भी बहुत अकेले होते हैं, तभी वो अपने कमरे के अंदर अपने घर के अंदर कोई कर्टन नहीं लगाते, उनका गेट जो है वो खुला रहता ताकि लोग आए उनसे बात करें, तो वो और लोग उनसे आके बात भी करते तो कभी लौट के उनके पास नहीं आते। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर लैम जो है वो डेरी को बोलते हैं कि देख तू भी वापस नहीं आएगा, और वो चैलेंज एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है कि चलो ठीक है देखते हैं। ठीक है, तो वो जो डेरी अब उनको बड़ा फॉलोवर बन जाता है, लेकिन उनकी जब बात होती है ना तो वो थोड़ी कड़वाहट रखता है जो डेरी होता है अपने मन के अंदर, लेकिन वो धीरे 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 सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मिस्टर लैम जो है ना वो उस बंदे को बड़ा ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं। वो घर जाता है अपनी माँ को इसके बारे में जो है वो बताता है, और अपनी माँ को अपना डिसीजन बताता है कि मैं अब लाइफ को ही खूबसूरत तरीके से देखूंगा, मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली जो है वो लूँगा। लेकिन उसकी माँ जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं तो वापस मिस्टर लैम के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब वो जब वो अपनी माँ को माँ की बात ना सुन के मिस्टर लैम के पास जब वापस आता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है लैडर पर चढ़े हुए और एकदम से वो नीचे गिर गए। ठीक है, और अब वो जो है डायरी की बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो है ट्रेन कर चुके हैं एक ऐसे बंदे को नेक्स्ट जनरेशन को, जो कि उनकी अच्छी आदतें जो है तो आगे नेक्स्ट वर्ल्ड का जो है वो पास करना। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेस ऑफ है। ठीक है भाई, देन उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ध्यान रखना इसके अंदर जो है वो दो स्टोरीज है, पार्ट वन और हमारा पार्ट टू, दोनों ही बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। सबसे पहला हमारी जो स्टोरी है दैट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ठीक है, ये हमारी जिटकाला सा, देखो ये इसके अंदर दो ऑथर है, जिटकाला सा और हमारा जो है हमारी बामा। ठीक है, तो फर्स्ट डे उनका स्कूल के अंदर होता है, अपने बचपन को जो है वो याद करते हैं, दोनों ऑथर्स अपने अपने बचपन को याद करें। पहले मैं जिटकाला, ठीक है, क्योंकि एक कोल्ड होता है, स्नोफॉल हो रही होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो स्टिफ शूज पहनते हैं, स्टिफ शूज मतलब जैसे हमारे स्कूल वाले जूते होते हैं, टक 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 करके चलते हैं। ठीक है, और बड़ी फिटिंग के क्लोज पहनते हैं। ठीक है, स्मॉल गर्ल्स वर वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर्स। देखो शिंगल्ड हेयर्स जो होता है ना, ध्यान रखना ये बाल जो कि सिर्फ कान तक होते हैं, तो वहाँ पे जो छोटी लड़कियाँ होती हैं उन्होंने बड़े ही एप्रन्स पहने होते हैं, स्लीव्ड एप्रन्स। ठीक है, पुराने टाइम पे स्लीव एप्रन्स पहनते थे और शिंगल्ड हेयर्स होंगे। ठीक है, अब जो खाने का जो उनका प्रोसीजर था वो बड़ा ही एक बड़ा तरीका सा था, फॉर्मूला सा था उसके अंदर, कैसे सबसे पहले बेल रिंग होगी, आप लोगों को चेयर जो है वो बाहर से निकालना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअल में जो स्टोरी है ना, तो ये स्टोरी है कि भाई जो हमारी काला सा और हमारी बामा है, ये एक्चुअल में जो है वो जो होते ना जो यार क्या बोले जो जो क्या कहते हैं, अरे यार कास्ट वाला वर्ड मेरा दिमाग, मतलब बिलो कास्ट वाले लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारी जिटकाला सा होती है वो जो है वो नेटिव अमेरिकन होते हैं। नेटिव अमेरिकन मतलब कि वो अमेरिका के अंदर जाती है लेकिन वहाँ पे इंडियन कल्चर से अपना जो है वो रह रही होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को नेटिव जो अमेरिकन सबको लेके जाया जाता है।